thank <music> गुस्से में लिए गए फ़ैसले हमेशा हमें दुखी देते हैं और इस बात से नकरा बिल्कुल भी नहीं चाहता है कई बार आपके साथ भी हुआ होगा और आपके आसपास के लोगों को साथ भी ऐसा हुआ होगा और आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं शायद आपको मूवी में कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों आज हम गुटरुकार मूवी के बारे में बात करेंगे और आप ही अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर से देख पाएंगे इन सब के बारे में बात करेंगे चलिए पहले एक नज़र इसकी कहानी की तरफ़ डाल लेते हैं कि मूवी की कहानी क्या है दरअसल यहाँ पर कुछ लीड है जैसे कि महेश बाबू है श्री लीला रम्या क्रिस्तन जगपति बाबू ब्रह्मानंदम ऐसे यहाँ पर कुछ लीड है तो कहानी काफ़ी सिम्बलर रहती है कि जो महेश बाबू है इनके जो पिता है वो जेल में जा चुके हैं क्योंकि काफ़ी समय पहले घटना घटी थी और उस घटना के चलते उनके पिता जेल में है दूसरी यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि जो उनकी माताश्री है वो भी उनके साथ नहीं रहती है वो भी अपने मायके चली गई है मतलब कि अपने घर वापस लौट चुकी है और वहाँ पर वो रह रही है अब जो मतलब जो महेश बाबू जो है इसके जो दादाजी होते हैं बनते हैं मतलब जो दादाजी हैं वो ये चाहते हैं कि वो जो है पॉलिटिक्स में जाए और वहाँ पर कुछ बने तो यहाँ पर जो महेश बाबू यानी कि जो वेंकट रमना है इनके जो माता श्री है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते वहाँ पर मंत्री बन जाती है फिर मूवी में आगे घटना घटती है और उस घटना के चलते ज़रूरत पड़ती है उन्हें वैनकाटा रमन की यानी कि महेश बाबू की, की। जहाँ पर उन्हें एक हस्ताक्षर करना है अगर वो करते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ा जो मतलब फायदा हो सकता है अब क्या वैनकाटा रमन वो हस्ताक्षर करेंगे या नहीं क्या वो अपने हमेल को वापस मिलवाए या नहीं यही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है और पूरी मूवी की स्टोरी यही है बस आपको इसे की इर्द गिर्द पूरी मूवी घूमते नजर आएंगी हालांकि इसकी जो स्टोरी लाइन है वो इतनी दमदार है नहीं आप इसे एक बार देख सकते हैं मूवी के रिव्यू मिक्स आए थे क्योंकि दोस्तों वजह यही है कि इस मूवी की वीक स्टोरी और शायद इसके चलते ये मूवी दोस्तों इतना कुछ खास कमाल नहीं कर पाई कहा जा रहा है इस मूवी का जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन हो चुका था और बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी एक एवरेज रही थी जो आईएमडीबी है वहाँ पर दस में से लगभग छः की रेटिंग मिली हुई है और जो टाइम्स ता, ऑफ इंडिया है वहाँ पर भी इस मूवी को दो लगभग दो की रेटिंग मिली हुई है आगे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप दोस्तों अब इस मूवी को हिंदी भाषा में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हो चुकी है पर अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि इस मूवी के डबिंग को आखिरकार किसने करवाया है क्योंकि जो महेश बाबू है उनका वॉइस ओवर सचिन गोले ने दिया है जिन्होंने के जी या रॉकी को दिया था क्योंकि जो सचिन गोले है वो काफ़ी काफ़ी टाइम से गोल्डमैन में काम नहीं करते हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने नहीं की है लगभग दो तीन साल में तो ये मूवी अचानक से आई तो हो सकता है कि अभी ये डबिंग जो है वो गोलमैंड को छोड़ कर कोई और करवाया हो खैर तो आपको कुछ दिन मालूम पड़ ही जाएगा या फिर कुछ घंटों में मैं यहाँ पर अपना जो कम्यूनिटी वहाँ पर पोस्ट जरूर कर दूँगा अगर हम इसकी कुछ रेटिंग के बारे में बात करें तो रेटिंग काफ़ी एवरेज है जो रॉट एन टोमेटो वहाँ पर भी फोर्टी एट परसेंट लोगों ने लाइक दिया था और मूवी का जो डायरेक्शन था वो त्रिविक्रम श्रीनिवास का है अगर उनके बारे में बात करें तो धोत्र विक्रम श्रीनिवास है इन्होंने बहुत सारी शानदार फिल्में अपने जीवन काल में बनाई हैं जैसे कि अल्लाह बैलो अरविंदा समेत हवीरा राघवा अथोडू आ, 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 ऐसे बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं तो वो एक बेहतरीन डायरेक्टर है इसमें कोई शक नहीं है आप कह सकते हैं इन्होंने काफ़ी सारी कमाल की फिल्में बनाई है और काफ़ी सारी फिल्में इन्होंने लिखी भी है तो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है इस नकारा बिल्कुल भी नहीं जा सकता है और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड मिल चुके हैं जैसे कि डी अवार्ड है फिल्म फेयर अवार्ड और साउथ ऐसे बहुत सारे अवार्ड इन्हें मिले हुए हैं तो मैं आपसे अभी से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखी जा सके तो आप इस मूवी को बेशक सक, देख सकते हैं तो अभी जगह नेटफ्लिक्स पर वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं आने वाले समय में इस मूवी का अगर YouTube प्रीमियर हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। पर मेरे हिसाब से इसके चांस अभी के लिए तो बहुत ही कम है ये मूवी आपको आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगी दोस्तों यहाँ पर जो महेश बाबू है उनका स्लो मो काफ़ी बढ़िया है वो काफ़ी अच्छी स्टाइल में एंट्री मारते हैं काफ़ी तगड़ा एक्शन करते हैं और यहाँ पर हिंदी डबिंग बहुत ही बेहतरीन है मुझे दोस्तों यहाँ पर जो वॉइस ओवर था महेश बब्बू का वो काफ़ी सही लग रहा है और कहीं हद तक मैच भी हो रहा है कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की फिल्म का यहाँ पर जो है वो निर्माण किया गया है तो आपको अगर टाइम मिले तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए अगर इस मूवी की जो डबिंग है उसको गोल्ड मैन द्वारा करवाया गया होगा तो मूवी आपको कुछ हफ्तों बाद ही जो गोल्ड मैन का टी चैनल है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को बाद में टी वी देख पाएंगे बाकी यहाँ पर मूवी की जो कहानी है वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं ये मूवी दोस्तों काफ़ी जगह पर अब आ चुकी है जहाँ से आप चाहें तो देख सकते हैं हो सकता है कि आप लोग इसके बारे में जानते ही है ये भी हो सकता है कि आप ऐसे बहुत लोग इस मूवी को देख के आ रहे हैं यहाँ तक तो आप मुझे बता सकते हैं ये मूवी आपको कैसे लगी थी अच्छी लगी थी या फिर नहीं आप हमें ज़रूर बताइएगा अगर हम मूवी के बारे में थोड़ी आगे बात कर ले तो ये मूवी दोस्तों जो है वैसे फॉर के में भी उपलब्ध हो चुकी है जहाँ से आप जो नेटफ्लिक्स वहाँ पर अवेलेबल है आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं और ये मूवी दोस्तों जो एक बहुत ही बेहतरीन मूवी आपके लिए साबित हो सकती है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फैमिली टाइप मूवीज़ देखते हैं या फिर कोई मूवी जो देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो आप इस मूवी को बेशक देख सकते हैं ये आपको ज़रूर पसंद आने वाली है गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा हमें दुखी देते हैं और इस बात से नकर बिल्कुल भी नहीं चाहता है कई बार आपके साथ भी हुआ होगा और आपके आसपास के लोगों को साथ भी ऐसा हुआ होगा और आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं शायद आपको मूवी में कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों आज हम आजम गुटरुकार मूवी के बारे में बात करेंगे और आप ही अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर से देख पाएंगे इन सब के बारे में बात करेंगे चलिए पहले एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डाल लेते हैं कि मूवी की कहानी क्या है दरअसल यहाँ पर कुछ लीड काफ्टे जैसे कि महेश बाबू है श्री लीला रम्या क्रिश्तन जगपति बाबू ब्रह्मानंदम ऐसे यहाँ पर कुछ लीड काफ्ट तो कहानी काफ़ी सिमलर रहती है कि जो महेश बाबू है इनके जो पिता है वो जेल में जा चुके हैं क्योंकि काफ़ी समय पहले घटना घटी थी और उस घटना के चलते उनके पिता जेल में है दूसरी यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि जो उनकी माता श्री है वो भी उनके साथ नहीं रहती है वो भी अपने मायका चली गई है मतलब कि अपने घर वापस लौट चुकी है और वहाँ पर वो रह रही है अब जो मतलब जो महेश बाबू जो है इसके जो दादाजी होते हैं बनते हैं मतलब जो दादाजी हैं वे चाहते हैं कि वो जो है पॉलिटिक्स में जाए और वहाँ पर कुछ बने तो यहाँ पर जो महेश बाबू यानी कि जो वेंकट रमना है इनके जो माताश्री है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते ही वहाँ पर मंत्री बन जाती है फिर मूवी में आगे घटना घटती है और उस घटना के चलते ज़रूरत पड़ती है उन्हें वेंकटा रमन की यानी कि महेश बाबू की जहाँ पर उन्हें एक हस्ताक्षर करना है अगर वो करते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ा जो मतलब फायदा हो सकता है अब क्या वैनकटा रमना वस्तगस्त करेंगे या नहीं क्या वो अपने एम को वापस मिलवाएँ या नहीं यही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है और पूरी मूवी की स्टोरी यही है बस आपको इसे के इर्द गिर्द पूरी मूवी घूमते नजर आएंगी हालांकि इसकी जो स्टोरी लाइन है वो इतनी दमदार है नहीं आप इसे एक बार देख सकते हैं मूवी के रिव्यू मिक्स आए थे क्योंकि दोस्तों वजह यही है कि इस मूवी की वीक स्टोरी और शायद इसके चलते ये मूवी दोस्तों इतना कुछ खास कमाल नहीं कर पाई कहा जा रहा है इस मूवी का जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन हो चुका था और बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी एक एवरेज रही थी जो आईएमडीबी है वहाँ पर दस में से लगभग छः की रेटिंग मिली हुई है और जो टाइम्स ता, ऑफ इंडिया है वहाँ पर भी इस मूवी को दो लगभग दो की रेटिंग मिली हुई है आगे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप दोस्तों अब इस मूवी को हिंदी भाषा में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हो चुकी है पर अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि इस मूवी की डबिंग को आखिरकार किसने करवाया है क्योंकि जो महेश बाबू है उनका वॉइस ओवर सचिन गोले ने दिया है जिन्होंने के जी या रॉकी को दिया था क्योंकि जो सचिन गोले है वो काफ़ी काफ़ी टाइम से गोल्ड मैन में काम नहीं करते हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने नहीं की है लगभग दो तीन साल में तो ये मूवी अचानक से आई तो हो सकता है कि अब ये डबिंग जो है वो गोल्ड मैन को छोड़कर कोई और करवाया हो खे तो आपको कुछ दिन मालूम पड़ ही जाएगा या फिर कुछ घंटों में मैं यहाँ पर अपना जो कम्यूनिटी वहाँ पर पोस्ट जरूर कर दूँगा अगर हम इसकी कुछ रेटिंग के बारे में बात करें तो रेटिंग काफ़ी एवरेज है जो रॉट टोमेटो वहाँ पर भी फोर्टी एट परसेंट लोगों ने लाइक दिया था और मूवी का जो डायरेक्शन था वो त्रिविक्रम श्रीनिवास का है अगर उनके बारे में बात करें तो जो त्रिविक्रम श्रीनिवास है इन्होंने बहुत सारी शानदार फिल्में अपने जीवन काल में बनाई हैं जैसे कि अल्लाह मुलो अरविंदा समेत वीरा राघवा अथोडू आ, 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 ऐसे बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं तो वो एक बेहतरीन डायरेक्टर है इसमें कोई शक नहीं है आप कह सकते हैं इन्होंने काफ़ी सारी कमाल की फिल्में बनाई है और काफ़ी सारी फिल्में लिखी भी है तो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है जिससे नकारा बिल्कुल भी नहीं जा सकता है और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड मिल चुके हैं जैसे कि नंदी अवार्ड है फिल्म फेयर अवार्ड और साउथ ऐसे बहुत सारे अवार्ड इन्हें मिले हुए हैं तो मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखी जा सके तो आप इस मूवी को बेशक देख सकते हैं तो अभी जाइए नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं आने वाले समय में इस मूवी का अगर यूट्यूब प्रीमियर हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा पर मेरे हिसाब से इसके चांस अभी के लिए तो बहुत ही कम है ये मूवी आपको आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगी दोस्तों यहाँ पर जो महेश बाबू है उनका स्लोमो काफ़ी बढ़िया है वो काफ़ी अच्छी स्टाइल में एंट्री मारते हैं काफ़ी तगड़ा एक्शन करते हैं और यहाँ पर हिंदी डबिंग बहुत ही बेहतरीन है मुझे दोस्तों यहाँ पर जो वॉइस ओवर था महेश बब्बो का वो काफ़ी सही लग रहा है और कहीं हद तक मैच भी हो रहा है कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की फिल्म का यहाँ पर जो है वो निर्माण किया गया है तो आपको अगर टाइम मिले तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए अगर इस मूवी की जो डबिंग है उसको गोल्ड मैन द्वारा करवाया गया होगा तो मूवी आपको कुछ हफ्तों बाद ही जो गोल्ड माइन का टी चैनल है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को बाद में टी वी देख पाएंगे बाकी यहाँ पर मूवी की जो कहानी है वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं ये मूवी दोस्तों काफ़ी जगह पर अब आ चुकी है जहाँ से आप चाहे तो देख सकते हैं हो सकता है कि आप लोग इसके बारे में जानते ही है ये भी हो सकता है कि आप ऐसे बहुत लोग इस मूवी को देख के आ रहे हैं यहाँ तक तो आप मुझे बता सकते हैं ये मूवी आपको कैसे लगी थी अच्छी लगी थी या फिर नहीं आप हमें ज़रूर बताइएगा अगर हम मूवी के बारे में थोड़ी तो आगे बात कर ले तो ये मूवी दोस्तों जो है वैसे फॉर के में भी उपलब्ध हो चुकी है जहाँ से आप जो नेटफ्लिक्स वहाँ पर अवेलेबल है आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं और ये मूवी दोस्तों जो एक बहुत ही बेहतरीन मूवी आपके लिए साबित हो सकती है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फैमिली टाइप मूवीज़ देखते हैं या फिर कोई मूवीज जो देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो आप इस मूवी को बेशक देख सकते हैं ये आपको ज़रूर पसंद आने वाली है गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा हमें दुखी देते हैं और इस बात से नकर बिल्कुल भी नहीं चाहता है कई बार आपके साथ भी हुआ होगा और आपके आसपास के लोगों को साथ भी ऐसा हुआ होगा और आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं शायद आपको मूवी में कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों आज हम गुटरूकार मूवी के बारे में बात करेंगे और आप ही अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर से देख पाएंगे इन सब के बारे में बात करेंगे चलिए पहले एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डाल लेते हैं कि मूवी की कहानी क्या है दरअसल यहाँ पर कुछ लीड काफ्टे जैसे कि महेश बाबू है श्री लीला रम्या क्रिस्तन जगपति बाबू ब्रह्मानंदम ऐसे यहाँ पर कुछ लीड काफ्टे तो कहानी काफ़ी सिम्बलर रहती है कि जो महेश बाबू है इनके जो पिता है वो जेल में जा चुके हैं क्योंकि काफ़ी समय पहले घटना घटी थी और उस घटना के चलते उनके पिता जेल में है दूसरी यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि जो उनकी माताश्री है वो भी उनके साथ नहीं रहती है वो भी अपने मायके चली गई है मतलब कि अपने घर वापस लौट चुकी है और वहाँ पर वो रह रही है अब जो मतलब जो महेश बाबू जो है इसके जो दादाजी होते हैं बनते मतलब जो दादाजी हैं वो चाहते हैं कि वो जो है पॉलिटिक्स में जाए और वहाँ पर कुछ बने तो यहाँ पर जो महेश बाबू यानी कि जो वैंकट रमना है इनके जो माताश्री है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते वहाँ पर मंत्री बन जाती है फिर मूवी में आगे घटना घटती है और उस घटना के चलते ज़रूरत पड़ती है उन्हें वैनकटा रमन की यानी कि महेश बाबू की, की। जहाँ पर उन्हें एक हस्ताक्षर करना है अगर वो करते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ा जो मतलब फायदा हो सकता है अब क्या वैनकटा रमन वो हस्ताक्षर करेंगे या नहीं क्या वो अपने एम को वापस मिलवाए या नहीं यही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है और पूरी मूवी की स्टोरी यही है बस आपको इसे की कि इर्द गिर्द पूरी मूवी घूमती नजर आएंगी हालांकि इसकी जो स्टोरी लाइन है वो दमदार है नहीं आप इसे एक बार देख सकते हैं मूवी के रिव्यू मिक्स आए थे क्योंकि दोस्तों वजह यही है कि इस मूवी की वीक स्टोरी और शायद इसके चलते ये मूवी दोस्तों इतना कुछ खास कमाल नहीं कर पाई कहा जा रहा है इस मूवी का जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन हो चुका था और बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी एक एवरेज रही थी जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग छः की रेटिंग मिली हुई है और जो टाइम्स ता, ऑफ इंडिया है वहाँ पर भी इस मूवी को दोस्तों लगभग दो की रेटिंग मिली हुई है आगे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप दोस्तों अब इस मूवी को हिंदी भाषा में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हो चुकी है पर अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि इस मूवी की डबिंग को आखिरकार किसने करवाया है क्योंकि जो महेश बाबू है उनका वॉइस ओवर सचिन गोले ने दिया है जिन्होंने के जी आप में रॉकी को दिया था क्योंकि जो सचिन गोले है वो काफ़ी काफ़ी टाइम से गोल्ड मैंड में काम नहीं करते हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने नहीं की है लगभग दो तीन साल में तो ये मूवी अचानक से आई तो हो सकता है कि अभी डबिंग जो है वो गोल्ड मैन को छोड़ कर कोई और करवाया हो खैर तो आपको कुछ दिन मालूम पड़ ही जाएगा या फिर कुछ घंटों में मैं यहाँ पर अपना जो कम्यूनिटी वहाँ पर पोस्ट जरूर कर दूँगा अगर हम इसकी कुछ रेटिंग के बारे में बात करें तो रेटिंग काफ़ी एवरेज है जो रॉट टोमेटो वहाँ पर भी फोर्टी एट परसेंट लोगों ने लाइक दिया था और मूवी का जो डायरेक्शन था वो त्रिविक्रम श्रीनिवास का है अगर उनके बारे में बात करें तो जो त्रिविक्रम श्रीनिवास है इन्होंने बहुत सारी शानदार फिल्में अपने जीवन काल में बनाई हैं जैसे कि अल्लाह बेलग्डपुरमुलो अरविंदा समेत वीरा राघवा अथोडू आ, 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 ऐसे बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं तो वो एक बेहतरीन डायरेक्टर है इसमें कोई शक नहीं है आप कह सकते हैं इन्होंने काफ़ी सारी कमाल की फ़िल्में बनाई है और काफ़ी सारी फिल्में इन्होंने लिखी भी है तो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है इसे इस नकारा बिल्कुल भी नहीं जा सकता है और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड मिल चुके हैं जैसे कि नंदी अवार्ड है फिल्म फेयर अवार्ड और साउथ ऐसे बहुत सारे अवार्ड इन्हें मिले हुए हैं तो मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऐसे मूवी देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखी जा सके तो आप इस मूवी को बेशक देख सकते हैं तो अभी जाइए नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं आने वाले समय में इस मूवी का अगर यूटूब पर हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा पर मेरे हिसाब से इसके चांस अभी के लिए तो बहुत ही कम है ये मूवी आपको आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगी दोस्तों यहाँ पर जो महेश बाबू है उनका स्लो मो काफ़ी बढ़िया है वो काफ़ी अच्छी स्टाइल में एंट्री मारते हैं काफ़ी तगड़ा एक्शन करते हैं और यहाँ पर हिंदी डबिंग बहुत ही बेहतरीन है मुझे दोस्तों यहाँ पर जो वॉइस ओवर था महेश बब्बू का वो काफ़ी सही लग रहा है और कहीं हद तक मैच भी हो रहा है कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की फिल्म का यहाँ पर जो है वो निर्माण किया गया है तो आपको अगर टाइम मिले तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए अगर इस मूवी की जो डबिंग है उसको गोल्ड मैन द्वारा करवाया गया होगा तो मूवी आपको कुछ हफ्तों बाद ही जो गोल्ड मैन का टीवी चैनल है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को बाद में टीवी पे देख पाएंगे बाकी यहाँ पर मूवी की जो कहानी है वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं ये मूवी दोस्तों काफ़ी जगह पर अब आ चुकी है जहाँ से आप चाहें तो देख सकते हैं हो सकता है कि आप लोग इसके बारे में जानते ही है ये भी हो सकता है कि आप ऐसे बहुत लोग इस मूवी को देख के आ रहे हैं यहाँ तक तो आप मुझे बता सकते हैं ये मूवी आपको कैसे लगी थी अच्छी लगी थी या फिर नहीं आप हमें ज़रूर बताइएगा अगर हम मूवी के बारे में थोड़ी आगे बात कर ले तो ये मूवी दोस्तों जो है वैसे फॉर के में भी उपलब्ध हो चुकी है जहाँ से आप जो नेटफ्लिक्स वहाँ पर अवेलेबल है आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं और ये मूवी दोस्तों जो एक बहुत ही बेहतरीन मूवी आपके लिए साबित हो सकती है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फैमिली टाइप मूवीज़ देखते हैं या फिर कोई मूवी जो देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो आप इस मूवी को बेशक देख सकते हैं ये आपको ज़रूर पसंद आने वाली है गुस्से में लिए गए फ़ैसले हमेशा हमें दुखी देते हैं और इस बात से नकरा बिल्कुल भी नहीं चाहता है कई बार आपके साथ भी हुआ होगा और आपके आसपास के लोगों को साथ भी ऐसा हुआ होगा और आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं शायद आपको मूवी में कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों आज हम गुटरुकार मूवी के बारे में बात करेंगे और आप ही अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर से देख पाएंगे इन सब के बारे में बात करेंगे चलिए पहले एक नज़र इसकी कहानी की तरफ़ डाल लेते हैं कि मूवी की कहानी क्या है दरअसल यहाँ पर कुछ लीड है जैसे कि महेश बाबू है श्री लीला रम्या क्रिश्तन जगपति बाबू ब्रह्मानंदम ऐसे यहाँ पर कुछ लीड काफ्ट है। तो कहानी काफ़ी सिमलर रहती है कि जो महेश बाबू है इनके जो पिता है वो जेल में जा चुके हैं क्योंकि काफ़ी समय पहले घटना घटी थी और उस घटना के चलते उनके पिता जेल में है दूसरी यहाँ पर दिक्कत यह भी है कि जो उनकी माताश्री है वो भी उनके साथ नहीं रहती है वो भी अपने मायके चली गई है मतलब कि अपने घर वापस लौट चुकी है और वहाँ पर वो रह रही है अब जो मतलब जो महेश बाबू जो है इसके जो दादाजी होते हैं बनते हैं मतलब जो दादाजी हैं वो ये चाहते हैं कि वो जो है पॉलिटिक्स में जाए और वहाँ पर कुछ बने तो यहाँ पर जो महेश बाबू यानी कि जो वैंकट रमना है इनके जो माता है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते वहाँ पर मंत्री बन जाती है फिर मूवी में आगे घटना घटती है और उस घटना के चलते ज़रूरत पड़ती है उन्हें वैनकाटा रमन की यानी कि महेश बाबू की, की। जहाँ पर उन्हें एक हस्ताक्षर करना है अगर वो करते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ा जो मतलब फायदा हो सकता है अब क्या वैनकाटा रमन वो हस्ताक्षर करेंगे या नहीं क्या वो अपने हमेल को वापस मिलवाए या नहीं यही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है और पूरी मूवी की स्टोरी यही है बस आपको इसे इर्द कि इर्द गिर्द पूरी मूवी घूमते नजर आएंगी हालांकि इसकी जो स्टोरी लाइन है वो इतनी दमदार है नहीं आप इसे एक बार देख सकते हैं मूवी के रिव्यू मिक्स आए थे क्योंकि दोस्तों वजह यही है कि इस मूवी की वीक स्टोरी और शायद इसके चलते ये मूवी दोस्तों इतना कुछ ख़ास कमाल नहीं कर पाई कहा जा रहा है इस मूवी का जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन हो चुका था और बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी एक एवरेज रही थी जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग छः की रेटिंग मिली हुई है और जो टाइम्स ता, ऑफ इंडिया है वहाँ पर भी इस मूवी को दो लगभग दो की रेटिंग मिली हुई है आगे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप दोस्तों अब इस मूवी को हिंदी भाषा में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हो चुकी है पर अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि इस मूवी के डबिंग को आखिरकार किसने करवाया है क्योंकि जो महेश बाबू है उनका वॉइस ओवर सचिन गोले ने दिया है जिन्होंने के जी या फॉकी को दिया था क्योंकि जो सचिन गोले है वो काफ़ी काफ़ी टाइम से गोल्ड मैन में काम नहीं करते हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने नहीं की है लगभग दो तीन साल में तो ये मूवी अचानक से आई तो हो सकता है कि अभी ये डबिंग जो है वो गोलमैंड को छोड़ कर कोई और करवाया हो खैर तो आपको कुछ दिन मालूम पड़ ही जाएगा या फिर कुछ घंटों में मैं यहाँ पर अपना जो कम्यूनिटी वहाँ पर पोस्ट जरूर कर दूँगा अगर हम इसकी कुछ रेटिंग के बारे में बात बार करें तो रेटिंग काफ़ी एवरेज है जो रॉट टोमेटो वहाँ पर भी फोर्टी लोगों ने लाइक दिया था और मूवी का जो डायरेक्शन था वो त्रिविक्रम श्रीनिवास का है अगर उनके बारे में बात करें तो धोत्र विक्रम श्रीनिवास है इन्होंने बहुत सारी शानदार फिल्में अपने जीवन काल में बनाई हैं जैसे कि अल्लाह बैलकुरमुल अरविंदा समेत हवीरा राघवा अथोडू आ, 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 ऐसे बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं तो वो एक बेहतरीन डायरेक्टर है इसमें कोई शक नहीं है आप कह सकते हैं इन्होंने काफ़ी सारी कमाल की फ़िल्में बनाई है और काफ़ी सारी फिल्में इन्होंने लिखी भी है तो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है जिस नगर बिल्कुल भी नहीं जा सकता है और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड मिल चुके हैं जैसे कि नंदी अवार्ड है फिल्म फेयर अवार्ड और साउथ ऐसे बहुत सारे अवार्ड इन्हें मिले हुए हैं तो मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखी जा सके तो आप इस मूवी को बेशक सक, देख सकते हैं तो अभी जाइए नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं आने वाले समय में इस मूवी का अगर यूट्यूब पर हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा पर मेरे हिसाब से इसके चांस अभी के लिए तो बहुत ही कम है ये मूवी आपको आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगी दोस्तों यहाँ पर जो महेश बाबू है उनका स्लो मो काफ़ी बढ़िया है वो काफ़ी अच्छी स्टाइल में एंट्री मारते हैं काफ़ी तगड़ा एक्शन करते हैं और यहाँ पर हिंदी डबिंग बहुत ही बेहतरीन है मुझे दोस्तों यहाँ पर जो वॉइस ओवर था महेश बब्बू का वो काफ़ी सही लग रहा है और कहीं हद तक मैच भी हो रहा है कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की फिल्म का यहाँ पर जो है वो निर्माण किया गया है तो आपको अगर टाइम मिले तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए अगर इस मूवी की जो डबिंग है उसको गोल्ड मैन द्वारा करवाया गया होगा तो मूवी आपको कुछ हफ्तों बाद ही जो गोल्ड मैन का टी चैनल है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को बाद में टी वी देख पाएंगे बाकी यहाँ पर मूवी की जो कहानी है वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं ये मूवी दोस्तों काफ़ी जगह पर अब आ चुकी है जहाँ से आप चाहें तो देख सकते हैं हो सकता है कि आप लोग इसके बारे में जानते ही है ये भी हो सकता है कि आप ऐसे बहुत लोग इस मूवी को देख के आ रहे हैं यहाँ तक तो आप मुझे बता सकते हैं ये मूवी आपको कैसे लगी थी अच्छी लगी थी या फिर नहीं आप हमें ज़रूर बताइएगा अगर हम मूवी के बारे में थोड़ी आगे बात कर ले तो ये मूवी दोस्तों जो है वैसे फॉर के में भी उपलब्ध हो चुकी है जहाँ से आप जो नेटफ्लिक्स वहाँ पर अवेलेबल है आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं और ये मूवी दोस्तों जो एक बहुत ही बेहतरीन मूवी आपके लिए साबित हो सकती है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फैमिली टाइप मूवीज़ देखते हैं या फिर कोई मूवी जो देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो आप इस मूवी को बेशक देख सकते हैं ये आपको ज़रूर पसंद आने वाली है गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा हमें दुखी देते हैं और इस बात से नकरा बिल्कुल भी नहीं चाहता है कई बार आपके साथ भी हुआ होगा और आपके आसपास के लोगों को साथ भी ऐसा हुआ होगा और आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं शायद आपको मूवी में कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों आज हम आजम गुटरुकार मूवी के बारे में बात करेंगे और आप ही अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर से देख पाएंगे इन सब के बारे में बात करेंगे चलिए पहले एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डाल लेते हैं कि मूवी की कहानी क्या है दरअसल यहाँ पर कुछ लीड काफ्टे जैसे कि महेश बाबू है श्री लीला रम्या क्रिश्तन जगपति बाबू ब्रह्मानंदम ऐसे यहाँ पर कुछ लीड काफ्ट तो कहानी काफ़ी सिंबल रहती है कि जो महेश बाबू है इनके जो पिता है वो जेल में जा चुके हैं क्योंकि काफ़ी समय पहले घटना घटी थी और उस घटना के चलते उनके पिता जेल में है दूसरी यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि जो उनकी माता श्री है वो भी उनके साथ नहीं रहती है वो भी अपने मायके चली गई है मतलब कि अपने घर वापस लौट चुकी है और वहाँ पर वो रह रही है अब जो मतलब जो महेश बाबू जो है इसके जो दादाजी होते हैं बनते हैं मतलब जो दादाजी हैं वे चाहते हैं कि वो जो है पॉलिटिक्स में जाए और वहाँ पर कुछ बने तो यहाँ पर जो महेश बाबू यानी कि जो वेंकट रमना है इनके जो माताश्री है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते है, वहाँ पर मंत्री बन जाती है फिर मूवी में आगे घटना घटती है और उस घटना के चलते ज़रूरत पड़ती है उन्हें वेंकटा रमन की यानी कि महेश बाबू की जहाँ पर उन्हें एक हस्ताक्षर करना है अगर वो करते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ा जो मतलब फायदा हो सकता है अब क्या वेंकटा रमना वो हस्तखस्त करेंगे या नहीं क्या वो अपने एम को वापस मिलवाए या नहीं यही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है और पूरी मूवी की स्टोरी यही है बस आपको इसे के कि इर्द गिर्द पूरी मूवी घूमती नजर आएंगी हालांकि इसकी जो स्टोरी लाइन है वो इतनी दमदार है नहीं आप इसे एक बार देख सकते हैं मूवी के रिव्यू मिक्स आए थे क्योंकि दोस्तों वजह यही है कि इस मूवी की वीक स्टोरी और शायद इसके चलते ये मूवी दोस्तों इतना कुछ ख़ास कमाल नहीं कर पाई कहा जा रहा है इस मूवी का जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन हो चुका था और बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी एक एवरेज रही थी जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग छः की रेटिंग मिली हुई है और जो टाइम्स ता, ऑफ इंडिया है वहाँ पर भी इस मूवी को दो लगभग दो की रेटिंग मिली हुई है आगे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप दोस्तों अब इस मूवी को हिंदी भाषा में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हो चुकी है पर अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि इस मूवी के डबिंग को आखिरकार किसने करवाया है क्योंकि जो महेश बाबू है उनका वॉइस ओवर सचिन गोले ने दिया है जिन्होंने के जी में रॉकी को दिया था क्योंकि जो सचिन गोले है वो काफ़ी काफ़ी टाइम से गोल्ड मैन में काम नहीं करते हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने नहीं की है लगभग दो तीन साल में तो ये मूवी अचानक से आई तो हो सकता है कि अभी ये डबिंग जो है वो गोल्डमैन को छोड़कर कोई और करवाया हो खैर तो आपको कुछ दिन मालूम पड़ ही जाएगा या फिर कुछ घंटों में मैं यहाँ पर अपना जो कम्यूनिटी वहाँ पर पोस्ट जरूर कर दूँगा अगर हम इसकी कुछ रेटिंग के बारे में बात करें तो रेटिंग काफ़ी एवरेज है जो रॉट टोमेटो वहाँ पर भी फोर्टी लोगों ने लाइक दिया था और मूवी का जो डायरेक्शन था वो त्रिविक्रम श्रीनिवास का है अगर उनके बारे में बात करें तो जो त्रिविक्रम श्रीनिवास है इन्होंने बहुत सारी शानदार फिल्में अपने जीवन काल में बनाई हैं जैसे कि अल्लाह मुलो अरविंदा समेत समितवीरा राघवा अथोडू आ, 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 ऐसे बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं तो वो एक बेहतरीन डायरेक्टर है इसमें कोई शक नहीं है आप कह सकते हैं इन्होंने काफ़ी सारी कमाल की फिल्में बनाई है और काफ़ी सारी फिल्में इन्होंने लिखी भी है तो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है इसे नकारा बिल्कुल भी नहीं जा सकता है और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड मिल चुके हैं जैसे कि नंदी अवार्ड है फिल्म फेयर अवार्ड और साउथ ऐसे बहुत सारे अवार्ड इन्हें मिले हुए हैं तो मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखी जा सके तो आप इस मूवी को बेशक देख सकते हैं तो अभी जाइए नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं आने वाले समय में इस मूवी का अगर यूट्यूब प्रीमियर हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा पर मेरे हिसाब से इसके चांस अभी के लिए तो बहुत ही कम है ये मूवी आपको आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगी दोस्तों यहाँ पर जो महेश बाबू है उनका स्लोमो काफ़ी बढ़िया है वो काफ़ी अच्छी स्टाइल में एंट्री मारते हैं काफ़ी तगड़ा एक्शन करते हैं और यहाँ पर हिंदी डबिंग बहुत ही बेहतरीन है मुझे दोस्तों यहाँ पर जो वॉइस ओवर था महेश बब्बो का वो काफ़ी सही लग रहा है और कहीं हद तक मैच भी हो रहा है कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की फिल्म का यहाँ पर जो है वो निर्माण किया गया है तो आपको अगर टाइम मिले तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए अगर इस मूवी की जो डबिंग है उसको गोल्ड मैन द्वारा करवाया गया होगा तो मूवी आपको कुछ हफ्तों बाद ही जो गोल्ड माइन का टी चैनल है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को बाद में टी वी देख पाएंगे बाकी यहाँ पर मूवी की जो कहानी है वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं ये मूवी दोस्तों काफ़ी जगह पर अब आ चुकी है जहाँ से आप चाहे तो देख सकते हैं हो सकता है कि आप लोग इसके बारे में जानते ही है ये भी हो सकता है कि आप ऐसे बहुत लोग इस मूवी को देख के आ रहे हैं यहाँ तक तो आप मुझे बता सकते हैं ये मूवी आपको कैसे लगी थी अच्छी लगी थी या फिर नहीं आप हमें ज़रूर बताइएगा अगर हम मूवी के बारे में थोड़ी आगे बात कर ले तो ये मूवी दोस्तों जो है वैसे फॉर के में भी उपलब्ध हो चुकी है जहाँ से आप जो नेटफ्लिक्स वहाँ पर अवेलेबल है आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं और ये मूवी दोस्तों जो एक बहुत ही बेहतरीन मूवी आपके लिए साबित हो सकती है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फैमिली टाइप मूवीज़ देखते हैं या फिर कोई मूवीज जो देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो आप इस मूवी को बेशक देख सकते हैं ये आपको ज़रूर पसंद आने वाली है गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा हमें दुखी देते हैं और इस बात से नकरा बिल्कुल भी नहीं चाहता है कई बार आपके साथ भी हुआ होगा और आपके आसपास के लोगों को साथ भी ऐसा हुआ होगा और आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं शायद आपको मूवी में कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों आज हम गुटरूक मूवी के बारे में बात करेंगे और आप ही अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर से देख पाएंगे इन सब के बारे में बात करेंगे चलिए पहले एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डाल लेते हैं कि मूवी की कहानी क्या है दरअसल यहाँ पर कुछ लीड काफ्टे जैसे कि महेश बाबू है श्री लीला रम्या क्रिस्तन जगपति बाबू ब्रह्मानंदम ऐसे यहाँ पर कुछ लीड काफ्टे तो कहानी काफ़ी सिमलर रहती है कि जो महेश बाबू है इनके जो पिता है वो जेल में जा चुके हैं क्योंकि काफ़ी समय पहले घटना घटी थी और उस घटना के चलते उनके पिता जेल में है दूसरी यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि जो उनकी माताश्री है वो भी उनके साथ नहीं रहती है वो भी अपने मायका चली गई है मतलब कि अपने घर वापस लौट चुकी है और वहाँ पर वो रह रही है अब जो मतलब जो महेश बाबू जो है इसके जो दादाजी होते हैं बनते है, मतलब जो दादाजी हैं वे चाहते हैं कि वो जो है पॉलिटिक्स में जाए और वहाँ पर कुछ बने तो यहाँ पर जो महेश बाबू यानी कि जो वैकट रमना है इनके जो माताश्री है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते वहाँ पर मंत्री बन जाती है फिर मूवी में आगे घटना घटती है और उस घटना के चलते ज़रूरत पड़ती है उन्हें वैनकाटा रमन की यानी कि महेश बाबू की, की। जहाँ पर उन्हें एक हस्ताक्षर करना है अगर वो करते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ा जो मतलब फायदा हो सकता है अब क्या वैनकटा रमन वो हस्ताक्षर करेंगे या नहीं क्या वो अपने कम को आपस मिलवाएँ या नहीं यही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है और पूरी मूवी की स्टोरी यही है बस आपको इसे के इर्द गिर्द पूरी मूवी घूमते नजर आएंगी हालांकि इसकी जो स्टोरी लाइन है वो दमदार है नहीं आप इसे एक बार देख सकते हैं मूवी के रिव्यू मिक्स आए थे क्योंकि दोस्तों वजह यही है कि इस मूवी की वीक स्टोरी और शायद इसके चलते ये, ये मूवी दोस्तों इतना कुछ खास कमाल नहीं कर पाई कहा जा रहा है इस मूवी का जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन हो चुका था और बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी एक एवरेज रही थी जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग छः की रेटिंग मिली हुई है और जो टाइम्स ता, ऑफ इंडिया है वहाँ पर भी इस मूवी को दोस्तों लगभग दो की रेटिंग मिली हुई है आगे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप दोस्तों अब इस मूवी को हिंदी भाषा में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हो चुकी है पर अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि इस मूवी की डबिंग को आखिरकार किसने करवाया है क्योंकि जो महेश बाबू है उनका वॉइस ओवर सचिन गोले ने दिया है जिन्होंने के जी आप में रॉकी को दिया था क्योंकि जो सचिन गोले हैं वो काफ़ी काफ़ी टाइम से गोल्ड मैन में काम नहीं करते हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने नहीं की है लगभग दो तीन साल में तो ये मूवी अचानक से आई तो हो सकता है कि अभी ये डबिंग जो है वो गोल्ड मैन को छोड़कर कोई और करवाया हो खैर तो आपको कुछ दिन मालूम पड़ ही जाएगा या फिर कुछ घंटों में मैं यहाँ पर अपना जो कम्यूनिटी वहाँ पर पोस्ट जरूर कर दूँगा अगर हम इसकी कुछ रेटिंग के बारे में बात करें तो रेटिंग काफ़ी एवरेज है जो रॉट टोमेटो वहाँ पर भी फोर्टी एट परसेंट लोगों ने लाइक दिया था और मूवी का जो डायरेक्शन था वो त्रिविक्रम श्रीनिवास का है अगर उनके बारे में बात करें तो जो त्रिविक्रम श्रीनिवास है इन्होंने बहुत सारी शानदार फिल्में अपने जीवन काल में बनाई हैं जैसे कि अल्लाह बैनगुरमुलो अरविंदा समितवीरा राघवा अथोडू ऐसे बहुत सारी मूवीज दे चुके हैं तो वो एक बेहतरीन डायरेक्टर है इसमें कोई शक नहीं है आप कह सकते हैं इन्होंने काफ़ी सारी कमाल की फिल्में बनाई है और काफ़ी सारी फिल्में इन्होंने लिखी भी है तो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है इसे इस नकारा बिल्कुल भी नहीं जा सकता है और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड मिल चुके हैं जैसे कि नंदी अवार्ड है फिल्म फेयर अवार्ड और साउथ ऐसे बहुत सारे अवार्ड इन्हें मिले हुए हैं तो मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऐसे मूवी देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखी जा सके तो आप इस मूवी को बेशक देख सकते हैं तो अभी जाइए नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं आने वाले समय में इस मूवी का अगर यूट्यूब पर हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा पर मेरे हिसाब से इसके चांस अभी के लिए तो बहुत ही कम है ये मूवी आपको आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगी दोस्तों यहाँ पर जो महेश बाबू है उनका स्लोमो काफ़ी बढ़िया है वो काफ़ी अच्छी स्टाइल में एंट्री मारते हैं काफ़ी तगड़ा एक्शन करते हैं और यहाँ पर हिंदी डबिंग बहुत ही बेहतरीन है मुझे दोस्तों यहाँ पर जो वॉइस ओवर था महेश बब्बू का वो काफ़ी सही लग रहा है और कहीं हद तक मैच भी हो रहा है कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की फिल्म का यहाँ पर जो है वो निर्माण किया गया है तो आपको अगर टाइम मिले तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए अगर इस मूवी की जो डबिंग है उसको गोल्ड मैन द्वारा करवाया गया होगा तो मूवी आपको कुछ हफ्तों बाद ही जो गोल्ड मैन का टीवी चैनल है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को बाद में टीवी पे देख पाएंगे बाकी यहाँ पर मूवी की जो कहानी है वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं ये मूवी दोस्तों काफ़ी जगह पर अब आ चुकी है जहाँ से आप चाहें तो देख सकते हैं हो सकता है कि आप लोग इसके बारे में जानते ही है ये भी हो सकता है कि आप ऐसे बहुत लोग इस मूवी को देख के आ रहे हैं यहाँ तक तो आप मुझे बता सकते हैं ये मूवी आपको कैसे लगी थी अच्छी लगी थी या फिर नहीं आप हमें ज़रूर बताइएगा अगर हम मूवी के बारे में थोड़ी आगे बात कर ले तो ये मूवी दोस्तों जो है वैसे फॉर के में भी उपलब्ध हो चुकी है जहाँ से आप जो नेटफ्लिक्स वहाँ पर अवेलेबल है आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं और ये मूवी दोस्तों जो एक बहुत ही बेहतरीन मूवी आपके लिए साबित हो सकती है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फैमिली टाइप मूवीज़ देखते हैं या फिर कोई मूवी जो देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो आप इस मूवी को बेशक देख सकते हैं ये आपको ज़रूर पसंद आने वाली है गुस्से में लिए गए फ़ैसले हमेशा हमें दुखी देते हैं और इस बात से नकरा बिल्कुल भी नहीं चाहता है कई बार आपके साथ भी हुआ होगा और आपके आसपास के लोगों को साथ भी ऐसा हुआ होगा और आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं शायद आपको मूवी में कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों आज हम गुटरुकार मूवी के बारे में बात करेंगे और आप ही अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर से देख पाएंगे इन सब के बारे में बात करेंगे चलिए पहले एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डाल लेते हैं कि मूवी की कहानी क्या है दरअसल यहाँ पर कुछ लीड है जैसे कि महेश बाबू है श्री लीला रम्या क्रिस्तन जगपति बाबू ब्रह्मानंदम ऐसे यहाँ पर कुछ लीड काफ्ट है. तो कहानी काफ़ी सिम्लर रहती है कि जो महेश बाबू है इनके जो पिता है वो जेल में जा चुके हैं क्योंकि काफ़ी समय पहले घटना घटी थी और उस घटना के चलते उनके पिता जेल में है दूसरी यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि जो उनकी माताश्री है वो भी उनके साथ नहीं रहती है वो भी अपने मायके चली गई है मतलब कि अपने घर वापस लौट चुकी है और वहाँ पर वो रह रही है अब जो मतलब जो महेश बाबू जो है इसके जो दादाजी होते हैं बनते है, मतलब जो दादाजी हैं वो ये चाहते हैं कि वो जो है पॉलिटिक्स में जाए और वहाँ पर कुछ बने तो यहाँ पर जो महेश बाबू यानी कि जो वेंकट रमना है इनके जो माता है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते वहाँ पर मंत्री बन जाती है फिर मूवी में आगे घटना घटती है और उस घटना के चलते ज़रूरत पड़ती है उन्हें वैनकाटा रमन की यानी कि महेश बाबू की, की। जहाँ पर उन्हें एक हस्ताक्षर करना है अगर वो करते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ा जो मतलब फायदा हो सकता है अब क्या वैनकाटा रमन वो हस्ताक्षर करेंगे या नहीं क्या वो अपने कैमेल को आपस मिलवाए या नहीं यही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है और पूरी मूवी की स्टोरी यही है बस आपको इसे कि इर्द गिर्द पूरी मूवी घूमते नजर आएंगी हालांकि इसकी जो स्टोरी लाइन है वो वही दमदार है नहीं आप इसे एक बार देख सकते हैं मूवी के रिव्यू मिक्स आए थे क्योंकि दोस्तों वजह यही है कि इस मूवी की वीक स्टोरी और शायद इसके चलते ये मूवी दोस्तों इतना कुछ खास कमाल नहीं कर पाई कहा जा रहा है इस मूवी का जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन हो चुका था और बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी एक एवरेज रही थी जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग छः की रेटिंग मिली हुई है और जो टाइम्स ता, ऑफ इंडिया है वहाँ पर भी इस मूवी को दो लगभग दो की रेटिंग मिली हुई है आगे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप दोस्तों अब इस मूवी को हिंदी भाषा में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हो चुकी है पर अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि इस मूवी की डबिंग को आखिरकार किसने करवाया है क्योंकि जो महेश बाबू है उनका वॉइस ओवर सचिन गोले ने दिया है जिन्होंने के जी आफ में रॉकी को दिया था क्योंकि जो सचिन गोले है वो काफ़ी काफ़ी टाइम से गोल्ड मैन में काम नहीं करते हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने नहीं की है लगभग दो तीन साल में तो ये मूवी अचानक से आई तो हो सकता है कि अब ये डबिंग जो है वो गोलमैन को छोड़ कर कोई और करवाया हो खैर तो आपको कुछ दिन मालूम पड़ ही जाएगा या फिर कुछ घंटों में मैं यहाँ पर अपना जो कम्यूनिटी वहाँ पर पोस्ट जरूर कर दूँगा अगर हम इसकी कुछ रेटिंग के बारे में बात करें तो रेटिंग काफ़ी एवरेज है जो रॉट एंड टोमेटो वहाँ पर भी फोर्टी एट परसेंट लोगों ने लाइक दिया था और मूवी का जो डायरेक्शन था वो त्रिविक्रम श्रीनिवास का है अगर उनके बारे में बात करें तो धोत्री विक्रम श्रीनिवास है इन्होंने बहुत सारी शानदार फिल्में अपने जीवन काल में बनाई हैं जैसे कि अल्लाह बैन परमुलो अरविंदा समेत हवीरा राघवा अथोडू आ, 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 ऐसे बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं तो वो एक बेहतरीन डायरेक्टर है इसमें कोई शक नहीं है आप कह सकते हैं इन्होंने काफ़ी सारी कमाल की फिल्में बनाई है और काफ़ी सारी फिल्में इन्होंने लिखी भी है तो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है इसे नकारा बिल्कुल भी नहीं जा सकता है और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड मिल चुके हैं जैसे कि डंडी अवार्ड है फिल्म फेयर अवार्ड और साउथ ऐसे बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं तो मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखी जा सके तो आप इस मूवी को बेशक सक, देख सकते हैं तो अभी जो नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं आने वाले समय में इस मूवी का अगर यूट्यूब प्रीमियर हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा पर मेरे हिसाब से इसके चांस अभी के लिए तो बहुत ही कम है ये मूवी आपको आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगी दोस्तों यहाँ पर जो महेश बाबू है उनका स्लो मो काफ़ी बढ़िया है वो काफ़ी अच्छी स्टाइल में एंट्री मारते हैं काफ़ी तगड़ा एक्शन करते हैं और यहाँ पर हिंदी डबिंग बहुत ही बेहतरीन है मुझे दोस्तों यहाँ पर जो वॉइस ओवर था महेश बब्बू का वो काफ़ी सही लग रहा है और कहीं हद तक मैच भी हो रहा है कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की फिल्म का यहाँ पर जो है वो निर्माण किया गया है तो आपको अगर टाइम मिले तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए अगर इस मूवी की जो डबिंग है उसको गोल्ड मैन द्वारा करवाया गया होगा तो मूवी आपको कुछ हफ्तों बाद ही जो गोल्ड मैन का टीवी चैनल है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को बाद में टी वी देख पाएंगे बाकी यहाँ पर मूवी की जो कहानी है वो उस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं ये मूवी दोस्तों काफ़ी जगह पर अब आ चुकी है जहाँ से आप चाहे तो देख सकते हैं हो सकता है कि आप लोग इसके बारे में जानते ही है ये भी हो सकता है कि आप ऐसे बहुत लोग इस मूवी को देख के आ रहे हैं यहाँ तक तो आप मुझे बता सकते हैं ये मूवी आपको कैसे लगी थी अच्छी लगी थी या फिर नहीं आप हमें ज़रूर बताइएगा अगर हम मूवी के बारे में थोड़ी तो आगे बात कर ले तो ये मूवी दोस्तों जो है वैसे फॉर के में भी उपलब्ध हो चुकी है जहाँ से आप जो नेटफ्लिक्स वहाँ पर अवेलेबल है आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं और ये मूवी दोस्तों जो एक बहुत ही बेहतरीन मूवी आपके लिए साबित हो सकती है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फैमिली टाइप मूवीज़ देखते हैं या फिर कोई मूवी जो देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो आप इस मूवी को बेशक देख सकते हैं ये आपको ज़रूर पसंद आने वाली है गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा हमें दुखी देते हैं और इस बात से नकर बिल्कुल भी नहीं चाहता है कई बार आपके साथ भी हुआ होगा और आपके आसपास के लोगों को साथ भी ऐसा हुआ होगा और आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं शायद आपको मूवी में कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों आज हम आज़म गुटुरुकार मूवी के बारे में बात करेंगे और आप ही अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर से देख पाएंगे इन सब के बारे में बात करेंगे चलिए पहले एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डाल लेते हैं कि मूवी की कहानी क्या है दरअसल यहाँ पर कुछ लीड है जैसे कि महेश बाबू है श्री लीला रम्या क्रिस्तन जगपति बाबू ब्रह्मानंदम ऐसे यहाँ पर कुछ लीड काफ्ट तो कहानी काफ़ी सिंबल रहती है कि जो महेश बाबू है इनके जो पिता है वो जेल में जा चुके हैं क्योंकि काफ़ी समय पहले घटना घटी थी और उस घटना के चलते उनके पिता जेल में है दूसरी यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि जो उनकी माता श्री है वो भी उनके साथ नहीं रहती है वो भी अपने मायके चली गई है मतलब कि अपने घर वापस लौट चुकी है और वहाँ पर वो रह रही है अब जो मतलब जो महेश बाबू जो है इसके जो दादाजी होते हैं बनते हैं मतलब जो दादाजी हैं वे चाहते हैं कि वो जो है पॉलिटिक्स में जाए और वहाँ पर कुछ बने तो यहाँ पर जो महेश बाबू यानी कि जो वेंकट रमना है इनके जो माता श्री है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते है, वहाँ पर मंत्री बन जाती है फिर मूवी में आगे घटना घटती है और उस घटना के चलते ज़रूरत पड़ती है उन्हें वेंकटा रमन की यानी कि महेश बाबू की जहाँ पर उन्हें एक हस्ताक्षर करना है अगर वो करते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ा जो मतलब फायदा हो सकता है अब क्या वेंकटा रमना वस्तगस्त करेंगे या नहीं क्या वो अपने कम को वापस मिलवाएँ या नहीं यही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है और पूरी मूवी की स्टोरी यही है बस आपको इसे के कि इर्द गिर्द पूरी मूवी घूमते नजर आएंगी हालांकि इसकी जो स्टोरी लाइन है वो इतनी दमदार है नहीं आप इसे एक बार देख सकते हैं मूवी के रिव्यू मिक्स आए थे क्योंकि दोस्तों वजह यही है कि इस मूवी की वीक स्टोरी और शायद इसके जल्द ही मूवी दोस्तों इतना कुछ खास कमाल नहीं कर पाई कहा जा रहा है इस मूवी का जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन हो चुका था और बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी एक एवरेज रही थी जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग छः की रेटिंग मिली हुई है और जो टाइम्स ता, ऑफ इंडिया है वहाँ पर भी इस मूवी को दो सौ लगभग दो की रेटिंग मिली हुई है आगे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप दोस्तों अब इस मूवी को हिंदी भाषा में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है पर अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि इस मूवी के डबिंग को आखिरकार किसने करवाया है क्योंकि जो महेश बाबू है उनका वॉइस ओवर सचिन गोले ने दिया है जिन्होंने के जी में रॉकी को दिया था क्योंकि जो सचिन गोले है वो काफ़ी काफ़ी टाइम से गोल्ड मैन में काम नहीं करते हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने नहीं की है लगभग दो तीन साल में तो ये मूवी अचानक से आई तो हो सकता है कि अभी ये डबिंग जो है वो गोल्डमैन को छोड़कर कोई और करवाया हो खैर तो आपको कुछ दिन मालूम पड़ ही जाएगा या फिर कुछ घंटों में मैं यहाँ पर अपना जो कम्यूनिटी वहाँ पर पोस्ट जरूर कर दूँगा अगर हम इसकी कुछ रेटिंग के बारे में बात करें तो रेटिंग काफ़ी एवरेज है जो रॉट टोमेटो वहाँ पर भी फोर्टी लोगों ने लाइक दिया था और मूवी का जो डायरेक्शन था वो त्रिविक्रम श्रीनिवास का है अगर उनके बारे में बात करें तो जो त्रिविक्रम श्रीनिवास है इन्होंने बहुत सारी शानदार फिल्में अपने जीवन काल में बनाई हैं जैसे कि अल्लाह मुलो अरविंदा समेत समितवीरा राघवा अथोड़ू आ, 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 ऐसे बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं तो वो एक बेहतरीन डायरेक्टर है इसमें कोई शक नहीं है आप कह सकते हैं इन्होंने काफ़ी सारी कमाल की फिल्में बनाई है और काफ़ी सारी फिल्में इन्होंने लिखी भी है तो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है इसे नकारा बिल्कुल भी नहीं जा सकता है और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड मिल चुके हैं जैसे कि नंदी अवार्ड है फिल्म फेयर अवार्ड और साउथ ऐसे बहुत सारे अवार्ड इन्हें मिले हुए हैं तो मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखी जा सके तो आप इस मूवी को बेशक देख सकते हैं तो अभी जाइए नेटफ्लिक्स पर वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं आने वाले समय में इस मूवी का अगर यूट्यूब पर भी हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा पर मेरे हिसाब से इसके चांस अभी के लिए तो बहुत ही कम है ये मूवी आपको आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगी दोस्तों यहाँ पर जो महेश बाबू है उनका स्लोमो काफ़ी बढ़िया है वो काफ़ी अच्छी स्टाइल में एंट्री मारते हैं काफ़ी तगड़ा एक्शन करते हैं और यहाँ पर हिंदी डबिंग बहुत ही बेहतरीन है मुझे दोस्तों यहाँ पर जो वॉइस ओवर था महेश बब्बू का वो काफ़ी सही लग रहा है और कहीं हद तक मैच भी हो रहा है कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की फिल्म का यहाँ पर जो है वो निर्माण किया गया है तो आपको अगर टाइम मिले तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए अगर इस मूवी की जो डबिंग है उसको गोल्डमैन द्वारा करवाया गया होगा तो मूवी आपको कुछ हफ्तों बाद ही जो गोल्ड माइन का टीवी चैनल है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को बाद में टीवी पे देख पाएंगे बाकी यहाँ पर मूवी की जो कहानी है वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं ये मूवी दोस्तों काफ़ी जगह पर अब आ चुकी है जहाँ से आप चाहें तो देख सकते हैं हो सकता है कि आप लोग इसके बारे में जानते ही है ये भी हो सकता है कि आप ऐसे बहुत लोग इस मूवी को देख के आ रहे हैं यहाँ तक तो आप मुझे बता सकते हैं ये मूवी आपको कैसे लगी थी अच्छी लगी थी या फिर नहीं आप हमें ज़रूर बताइएगा अगर हम मूवी के बारे में थोड़ी आगे बात कर ले तो ये मूवी दोस्तों जो है वैसे फॉर के में भी उपलब्ध हो चुकी है जहाँ से आप जो नेटफ्लिक्स वहाँ पर अवेलेबल है आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं और ये मूवी दोस्तों जो एक बहुत ही बेहतरीन मूवी आपके लिए साबित हो सकती है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फैमिली टाइप मूवीज़ देखते हैं या फिर कोई मूवी जो देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो आप इस मूवी को बेशक देख सकते हैं ये आपको ज़रूर पसंद आने वाली है गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा हमें दुखी देते हैं और इस बात से नकरा बिल्कुल भी नहीं चाहता है कई बार आपके साथ भी हुआ होगा और आपके आसपास के लोगों को साथ भी ऐसा हुआ होगा और आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं शायद आपको मूवी में कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों आज हम गुटरूकार मूवी के बारे में बात करेंगे और आप ही अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर से देख पाएंगे इन सब के बारे में बात करेंगे चलिए पहले एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डाल लेते हैं कि मूवी की कहानी क्या है दरअसल यहाँ पर कुछ लीड काफ्टे जैसे कि महेश बाबू है श्री लीला रम्या कृष्णन जगपति बाबू ब्रह्मानंदम ऐसे यहाँ पर कुछ लीड काफ्ट तो कहानी काफ़ी सिम्बल रहती है कि जो महेश बाबू है इनके जो पिता है वो जेल में जा चुके हैं क्योंकि काफ़ी समय पहले घटना घटी थी और उस घटना के चलते उनके पिता जेल में है दूसरी यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि जो उनकी माता श्री है वो भी उनके साथ नहीं रहती है वो भी अपने माई का चली गई है मतलब कि अपने घर वापस लौट चुकी है और वहाँ पर वो रह रही है अब जो मतलब जो महेश बाबू जो है इसके जो दादाजी होते हैं बनते है, मतलब जो दादाजी हैं वो चाहते हैं कि वो जो है पॉलिटिक्स में जाए और वहाँ पर कुछ बने तो यहाँ पर जो महेश बाबू यानी कि जो वेंकट रमना है इनके जो माताश्री है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते वहाँ पर मंत्री बन जाती है फिर मूवी में आगे घटना घटती है और उस घटना के चलते ज़रूरत पड़ती है उन्हें वैनकाटा रमन की यानी कि महेश बाबू की, की। जहाँ पर उन्हें एक हस्ताक्षर करना है अगर वो करते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ा जो मतलब फायदा हो सकता है अब क्या वैनकाटा रमन हस्ताक्षर करेंगे या नहीं क्या वो अपने एम को आपस मिलवाए या नहीं यही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है और पूरी मूवी की स्टोरी यही है बस आपको इसे पुरी कि इर्द गिर्द पूरी मूवी घूमते नजर आएंगी हालांकि इसकी जो स्टोरी लाइन है वो इतनी दमदार है नहीं आप इसे एक बार देख सकते हैं मूवी के रिव्यू मिक्स आए थे क्योंकि दोस्तों वजह यही है कि इस मूवी की वीक स्टोरी और शायद इसके चलते ये, ये मूवी दोस्तों इतना कुछ खास कमाल नहीं कर पाई कहा जा रहा है इस मूवी का जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन हो चुका था और बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी एक एवरेज रही थी जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग छः की रेटिंग मिली हुई है और जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर भी इस मूवी को दोस्तों लगभग दो की रेटिंग मिली हुई है आगे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप दोस्तों अब इस मूवी को हिंदी भाषा में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हो चुकी है पर अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि इस मूवी की डबिंग को आखिरकार किसने करवाया है क्योंकि जो महेश बाबू है उनका वॉइस ओवर सचिन गोले ने दिया है जीरो के जी याक में रॉकी को दिया था क्योंकि जो सचिन गोले है वो काफ़ी काफ़ी टाइम से गोल्डमैन में काम नहीं करते हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने नहीं की है लगभग दो तीन साल में तो ये मूवी अचानक से आई तो हो सकता है कि अब ये डबिंग जो है वो गोल्डमैन को छोड़ कर कोई और करवाया हो खैर तो आपको कुछ दिन मालूम पड़ ही जाएगा या फिर कुछ घंटों में मैं यहाँ पर अपना जो कम्यूनिटी वहाँ पर पोस्ट जरूर कर दूँगा अगर हम इसकी कुछ रेटिंग के बारे में बात करें तो रेटिंग काफ़ी एवरेज है जो रॉट टोमेटो वहाँ पर भी फोर्टी एट परसेंट लोगों ने लाइक दिया था और मूवी का जो डायरेक्शन था वो त्रिविक्रम श्रीनिवास का है अगर उनके बारे में बात करें तो जो त्रिविक्रम श्रीनिवास है इन्होंने बहुत सारी शानदार फिल्में अपने जीवन काल में बनाई हैं जैसे कि अल्लाह मुलो अरविंदा समेत समितवीरा राघवा अथोडू आ, 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 ऐसे बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं तो वो एक बेहतरीन डायरेक्टर है इसमें कोई शक नहीं है आप क्या सकते हैं इन्होंने काफ़ी सारी कमाल की फ़िल्में बनाई है और काफ़ी सारी फिल्में लिखी भी है तो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है जिससे नकारा बिल्कुल भी नहीं जा सकता है और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड का मिल चुके हैं जैसे कि नंदी अवार्ड है फिल्म फेयर अवार्ड और साउथ ऐसे बहुत सारे अवार्ड इन्हें मिले हुए हैं तो मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऐसे मूवी देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखी जा सके तो आप इस मूवी को बेशक देख सकते हैं तो अभी जाइए नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं आने वाले समय में इस मूवी का अगर यूट्यूब पर हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा पर मेरे हिसाब से इसके चांस अभी के लिए तो बहुत ही कम है ये मूवी आपको आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगी दोस्तों यहाँ पर जो महेश बाबू है उनका स्लो मो काफ़ी बढ़िया है वो काफ़ी अच्छी स्टाइल में एंट्री मारते हैं काफ़ी तगड़ा एक्शन करते हैं और यहाँ पर हिंदी डबिंग बहुत ही बेहतरीन है मुझे दोस्तों यहाँ पर जो वॉइस ओवर था महेश बब्बू का वो काफ़ी सही लग रहा है और कहीं हद तक मैच भी हो रहा है कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की फिल्म का यहाँ पर जो है वो निर्माण किया गया है तो आपको अगर टाइम मिले तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए अगर इस मूवी की जो डबिंग है उसको गोल्ड मैन द्वारा करवाया गया होगा तो मूवी आपको कुछ हफ्तों बाद ही जो गोल्ड मैन का टीवी चैनल है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को बाद में टीवी पे देख पाएंगे बाकी यहाँ पर मूवी की जो कहानी है वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं ये मूवी दोस्तों काफ़ी जगह पर अब आ चुकी है जहाँ से आप चाहें तो देख सकते हैं हो सकता है कि आप लोग इसके बारे में जानते ही है ये भी हो सकता है कि आप ऐसे बहुत लोग इस मूवी को देख के आ रहे हैं यहाँ तक तो आप मुझे बता सकते हैं ये मूवी आपको कैसे लगी थी अच्छी लगी थी या फिर नहीं आप हमें ज़रूर बताइएगा अगर हम मूवी के बारे में थोड़ी आगे बात कर ले तो ये मूवी दोस्तों जो है वैसे फॉर के में भी उपलब्ध हो चुकी है जहाँ से आप जो नेटफ्लिक्स वहाँ पर अवेलेबल है आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं और ये मूवी दोस्तों जो एक बहुत ही बेहतरीन मूवी आपके लिए साबित हो सकती है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फैमिली टाइप मूवीज़ देखते हैं या फिर कोई मूवी जो देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो आप इस मूवी को बेशक देख सकते हैं ये आपको ज़रूर पसंद आने वाली है गुस्से में लिए गए फ़ैसले हमेशा हमें दुखी देते हैं और इस बात से नकरा बिल्कुल भी नहीं चाहता है कई बार आपके साथ भी हुआ होगा और आपके आसपास के लोगों को साथ भी ऐसा हुआ होगा और आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं शायद आपको मूवी में कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों आज हम आज़म गुटरूकार मूवी के बारे में बात करेंगे और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर से देख पाएंगे इन सब के बारे में बात करेंगे चलिए पहले एक नज़र इसकी कहानी की तरफ़ डाल लेते हैं कि मूवी की कहानी क्या है दरअसल यहाँ पर कुछ लीड काफ्टे जैसे कि महेश बाबू है श्री लीला रम्या क्रिश्तन जगपति बाबू ब्रह्मानंदम ऐसे यहाँ पर कुछ लीड काफ्ट है। तो कहानी काफ़ी सिंबल रहती है कि जो महेश बाबू है इनके जो पिता है वो जेल में जा चुके हैं क्योंकि काफ़ी समय पहले घटना घटी थी और उस घटना के चलते उनके पिता जेल में है दूसरी यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि जो उनकी माताश्री है वो भी उनके साथ नहीं रहती है वो भी अपने मायका चली गई है मतलब कि अपने घर वापस लौट चुकी है और वहाँ पर वो रह रही है अब जो मतलब जो महेश बाबू जो है इसके जो दादाजी होते हैं बनते हैं मतलब जो दादाजी हैं वो ये चाहते हैं कि वो जो है पॉलिटिक्स में जाए और वहाँ पर कुछ बने तो यहाँ पर जो महेश बाबू यानी कि जो वैंकट रमना है इनके जो माता है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते वहाँ पर मंत्री बन जाती है फिर मूवी में आगे घटना घटती है और उस घटना के चलते ज़रूरत पड़ती है उन्हें वैनकाटा रमन की यानी कि महेश बाबू की, की। जहाँ पर उन्हें एक हस्ताक्षर करना है अगर वो करते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ा जो मतलब फायदा हो सकता है अब क्या वैनकाटा रमन वो हस्ताक्षर करेंगे या नहीं क्या वो अपने एम को वापस मिलवाए या नहीं यही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है और पूरी मूवी की स्टोरी यही है बस आपको इसे कि इर्द गिर्द पूरी मूवी घूमते नजर आएंगी हालांकि इसकी जो स्टोरी लाइन है वो इतनी दमदार है नहीं आप इसे एक बार देख सकते हैं मूवी के रिव्यू मिक्स आए थे क्योंकि दोस्तों वजह यही है कि इस मूवी की वीक स्टोरी और शायद इसके चलते ये मूवी दोस्तों इतना कुछ खास कमाल नहीं कर पाई कहा जा रहा है इस मूवी का जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन हो चुका था और बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी एक एवरेज रही थी जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग छः की रेटिंग मिली हुई है और जो टाइम्स ता, ऑफ इंडिया है वहाँ पर भी इस मूवी को दो लगभग दो की रेटिंग मिली हुई है आगे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप दोस्तों अब इस मूवी को हिंदी भाषा में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हो चुकी है पर अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि इस मूवी की डबिंग को आखिरकार किसने करवाया है क्योंकि जो महेश बाबू है उनका वॉइस ओवर सचिन गोले ने दिया है जिन्होंने के जी आफ में रॉकी को दिया था क्योंकि जो सचिन गोले है वो काफ़ी काफ़ी टाइम से गोल्ड मैन में काम नहीं करते हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने नहीं की है लगभग दो तीन साल में तो ये मूवी अचानक से आई तो हो सकता है कि अब ये डबिंग जो है वो गोलमैंड को छोड़ कर कोई और करवाया हो खैर तो आपको कुछ दिन मालूम पड़ ही जाएगा या फिर कुछ घंटों में मैं यहाँ पर अपना जो कम्यूनिटी वहाँ पर पोस्ट जरूर कर दूँगा अगर हम इसकी कुछ रेटिंग के बारे में बात बार करें तो रेटिंग काफ़ी एवरेज है जो रॉट एंड टोमेटो वहाँ पर भी फोर्टी एट परसेंट लोगों ने लाइक दिया था और मूवी का जो डायरेक्शन था वो त्रिविक्रम श्रीनिवास का है अगर उनके बारे में बात करें तो धोत्रि विक्रम श्रीनिवास है इन्होंने बहुत सारी शानदार फिल्में अपने जीवन काल में बनाई हैं जैसे कि अल्लाह बेलपुरमुलो अरविंदा समेत समितवीरा राघवा अथोडू आ, 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 ऐसे बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं तो वो एक बेहतरीन डायरेक्टर है इसमें कोई शक नहीं है आप कह सकते हैं इन्होंने काफ़ी सारी कमाल की फिल्में बनाई है और काफ़ी सारी फिल्में इन्होंने लिखी भी है तो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है इससे नकार बिल्कुल भी नहीं जा सकता है और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड मिल चुके हैं जैसे कि डांी अवार्ड है फिल्म फेयर अवार्ड और साउथ ऐसे बहुत सारे अवार्ड इन्हें मिले हुए हैं तो मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऐसे मूवी देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखी जा सके तो आप इस मूवी को बेशक सक, देख सकते हैं तो अभी से नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं आने वाले समय में इस मूवी का अगर यूट्यूब पर हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा पर मेरे हिसाब से इसके चांस अभी के लिए तो बहुत ही कम है ये मूवी आपको आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगी दोस्तों यहाँ पर जो महेश बाबू है उनका स्लो मो काफ़ी बढ़िया है वो काफ़ी अच्छी स्टाइल में एंट्री मारते हैं काफ़ी तगड़ा एक्शन करते हैं और यहाँ पर हिंदी डबिंग बहुत ही बेहतरीन है मुझे दोस्तों यहाँ पर जो वॉइस ओवर था महेश बब्बू का वो काफ़ी सही लग रहा है और कहीं हद तक मैच भी हो रहा है कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की फिल्म का यहाँ पर जो है वो निर्माण किया गया है तो आपको अगर टाइम मिले तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए अगर इस मूवी की जो डबिंग है उसको गोल्ड मैन द्वारा करवाया गया होगा तो मूवी आपको कुछ हफ्तों बाद ही जो गोल्ड मैन का टीवी चैनल है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को बाद में टी वी देख पाएंगे बाकी यहाँ पर मूवी की जो कहानी है वो उस तरह से डिजाइन की गई है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं ये मूवी दोस्तों काफ़ी जगह पर अब आ चुकी है जहाँ से आप चाहें तो देख सकते हैं हो सकता है कि आप लोग इसके बारे में जानते ही है ये भी हो सकता है कि आप ऐसे बहुत लोग इस मूवी को देख के आ रहे हैं यहाँ तक तो आप मुझे बता सकते हैं ये मूवी आपको कैसे लगी थी अच्छी लगी थी या फिर नहीं आप हमें ज़रूर बताइएगा अगर हम मूवी के बारे में थोड़ी तो आगे बात कर ले तो ये मूवी दोस्तों जो है वैसे फॉर के में भी उपलब्ध हो चुकी है जहाँ से आप जो नेटफ्लिक्स वहाँ पर अवेलेबल है आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं और ये मूवी दोस्तों जो एक बहुत ही बेहतरीन मूवी आपके लिए साबित हो सकती है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फैमिली टाइप मूवीज़ देखते हैं या फिर कोई मूवी जो देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो आप इस मूवी को बेशक देख सकते हैं ये आपको ज़रूर पसंद आने वाली है गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा हमें दुखी देते हैं और इस बात से नकर बिल्कुल भी नहीं चाहता है कई बार आपके साथ भी हुआ होगा और आपके आसपास के लोगों को साथ भी ऐसा हुआ होगा और आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं शायद आपको मूवी में कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों आज हम गुटुरुकार मूवी के बारे में बात करेंगे और आप ही अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर से देख पाएंगे इन सब के बारे में बात करेंगे चलिए पहले एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डाल लेते हैं कि मूवी की कहानी क्या है दरअसल यहाँ पर कुछ लीड कास्ट है जैसे कि महेश बाबू है श्री लीला रम्या क्रिश्तन जगपति बाबू ब्रह्मानंदम ऐसे यहाँ पर कुछ लीड कास्ट है तो कहानी काफ़ी सिंबल रहती है कि जो महेश बाबू है इनके जो पिता है वो जेल में जा चुके हैं क्योंकि काफ़ी समय पहले घटना घटी थी और उस घटना के चलते उनके पिता जेल में है दूसरी यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि जो उनकी माता है वो भी उनके साथ नहीं रहती है वो भी अपने मायके चली गई है मतलब कि अपने घर वापस लौट चुकी है और वहाँ पर वो रह रही है अब जो मतलब जो महेश बाबू जो है इसके जो दादाजी होते हैं बनते हैं मतलब जो दादाजी हैं वे चाहते हैं कि वो जो है पॉलिटिक्स में जाए और वहाँ पर कुछ बने तो यहाँ पर जो महेश बाबू यानी कि जो वेंकट रमना है इनके जो माता है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते है, वहाँ पर मंत्री बन जाती है फिर मूवी में आगे घटना घटती है और उस घटना के चलते ज़रूरत पड़ती है उन्हें वेंकटा रमन की यानी कि महेश बाबू की जहाँ पर उन्हें एक हस्ताक्षर करना है अगर वो करते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ा जो मतलब फायदा हो सकता है अब क्या वेंकटा रमणा वस्तग करेंगे या नहीं क्या वो अपने फमेल को वापस मिलवाए या नहीं यही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है और पूरी मूवी की स्टोरी यही है बस आपको इसे के कि इर्द गिर्द पूरी मूवी घूमते नजर आएंगी हालांकि इसकी जो स्टोरी लाइन है वो इतनी दमदार है नहीं आप इसे एक बार देख सकते हैं मूवी के रिव्यू मिक्स आए थे क्योंकि दोस्तों वजह यही है कि इस मूवी की वीक स्टोरी और शायद इसके चलते ये मूवी दोस्तों इतना कुछ खास कमाल नहीं कर पाई कहा जा रहा है इस मूवी का जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन हो चुका था और बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी एक एवरेज रही थी जो आई एम है वहाँ पर दस में से लगभग छः की रेटिंग मिली हुई है और जो टाइम्स ता, ऑफ इंडिया है वहाँ पर भी इस मूवी को दो लगभग दो की रेटिंग मिली हुई है आगे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप दोस्तों अब इस मूवी को हिंदी भाषा में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हो चुकी है पर अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि इस मूवी की डबिंग को आखिरकार किसने करवाया है क्योंकि जो महेश बाबू है उनका वॉइस ओवर सचिन गोले ने दिया है जिन्होंने के जी आफ में रॉकी को दिया था क्योंकि जो सचिन गोले है वो काफ़ी काफ़ी टाइम से गोल्डमैन में काम नहीं करते हैं और बहुत सारी मूवीज इन्होंने नहीं की है लगभग दो तीन साल में तो ये मूवी अचानक से आई तो हो सकता है कि अब ये डबिंग जो है वो गोल्डमैन को छोड़कर कोई और करवाया हो खे तो आपको कुछ दिन मालूम पड़ ही जाएगा या फिर कुछ घंटों में मैं यहाँ पर अपना जो कम्यूनिटी वहाँ पर पोस्ट जरूर कर दूँगा अगर हम इसकी कुछ रेटिंग के बारे में बात करें तो रेटिंग काफ़ी एवरेज है जो रॉट टोमेटो वहाँ पर भी फोर्टी एट परसेंट लोगों ने लाइक दिया था और मूवी का जो डायरेक्शन था वो त्रिविक्रम श्रीनिवास का है अगर उनके बारे में बात करें तो जो त्रिविक्रम श्रीनिवास है इन्होंने बहुत सारी शानदार फिल्में अपने जीवन काल में बनाई हैं जैसे कि अल्लाह बैनमुलो अरविंदा समेत समितवीरा राघवा अथोड़ू आ, 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 ऐसे बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं तो वो एक बेहतरीन डायरेक्टर है इसमें कोई शक नहीं है आप कह सकते हैं इन्होंने काफ़ी सारी कमाल की फिल्में बनाई है और काफ़ी सारी फिल्में इन्होंने लिखी भी है तो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है इसे नकारा बिल्कुल भी नहीं जा सकता है और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड मिल चुके हैं जैसे कि नंदी अवार्ड है फिल्म फेयर अवार्ड और साउथ ऐसे बहुत सारे अवार्ड इन्हें मिले हुए हैं तो मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखी जा सके तो आप इस मूवी को बेशक सक देख सकते हैं तो अभी जाइए नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं आने वाले समय में इस मूवी का अगर यूट्यूब प्रीमियर हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा पर मेरे हिसाब से इसके चांस अभी के लिए तो बहुत ही कम है ये मूवी आपको आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगी दोस्तों यहाँ पर जो महेश बाबू है उनका स्लोमो काफ़ी बढ़िया है वो काफ़ी अच्छी स्टाइल में एंट्री मारते हैं काफ़ी तगड़ा एक्शन करते हैं और यहाँ पर हिंदी डबिंग बहुत ही बेहतरीन है मुझे दोस्तों यहाँ पर जो वॉइस ओवर था महेश भब्बो का वो काफ़ी सही लग रहा है और कहीं हद तक मैच भी हो रहा है कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की फिल्म का यहाँ पर जो है वो निर्माण किया गया है तो आपको अगर टाइम मिले तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए अगर इस मूवी की जो डबिंग है उसको गोल्ड मैन द्वारा करवाया गया होगा तो मूवी आपको कुछ हफ्तों बाद ही जो गोल्ड माइन का टीवी चैनल है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को बाद में टीवी पे देख पाएंगे बाकी यहाँ पर मूवी की जो कहानी है वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं ये मूवी दोस्तों काफ़ी जगह पर अब आ चुकी है जहाँ से आप चाहें तो देख सकते हैं हो सकता है कि आप लोग इसके बारे में जानते ही है ये भी हो सकता है कि आप ऐसे बहुत लोग इस मूवी को देख के आ रहे हैं यहाँ तक तो आप मुझे बता सकते हैं ये मूवी आपको कैसे लगी थी अच्छी लगी थी या फिर नहीं आप हमें ज़रूर बताइएगा अगर हम मूवी के बारे में थोड़ी तो आगे बात कर ले तो ये मूवी दोस्तों जो है वैसे फॉर के में भी उपलब्ध हो चुकी है जहाँ से आप जो नेटफ्लिक्स वहाँ पर अवेलेबल है आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं और ये मूवी दोस्तों जो एक बहुत ही बेहतरीन मूवी आपके लिए साबित हो सकती है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फैमिली टाइप मूवीज़ देखते हैं या फिर कोई मूवीज़ जो देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो आप इस मूवी को बेशक देख सकते हैं ये आपको ज़रूर पसंद आने वाली है गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा हमें दुखी देते हैं और इस बात से नकरा बिल्कुल भी नहीं चाहता है कई बार आपके साथ भी हुआ होगा और आपके आसपास के लोगों को साथ भी ऐसा हुआ होगा और आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं शायद आपको मूवी में कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों आज हम गुटरुकार मूवी के बारे में बात करेंगे और आप अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर से देख पाएंगे इन सब के बारे में बात करेंगे चलिए पहले एक नजर इसकी कहानी की तरफ डाल लेते हैं कि मूवी की कहानी क्या है दरअसल यहाँ पर कुछ लीड काफ्ट जैसे कि महेश बाबू है श्री लीला रम्या क्रिश्तन जगपति बाबू ब्रह्मानंदम ऐसे यहाँ पर कुछ लीड काफ्ट तो कहानी काफ़ी सिम्बल रहती है कि जो महेश बाबू है इनके जो पिता है वो जेल में जा चुके हैं क्योंकि काफ़ी समय पहले घटना घटी थी और उस घटना के चलते उनके पिता जेल में है दूसरी यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि जो उनकी माताश्री है वो भी उनके साथ नहीं रहती है वो भी अपने मायके चली गई है मतलब कि अपने घर वापस लौट चुकी है और वहाँ पर वो रह रही है अब जो मतलब जो महेश बाबू जो है इसके जो दादाजी होते हैं बनते है, मतलब जो दादाजी हैं वो चाहते हैं कि वो जो है पॉलिटिक्स में जाए और वहाँ पर कुछ बने तो यहाँ पर जो महेश बाबू यानी कि जो वेंकट रमना है इनके जो माताश्री है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते वहाँ पर मंत्री बन जाती है फिर मूवी में आगे घटना घटती है और उस घटना के चलते ज़रूरत पड़ती है उन्हें वैनकाटा रमन की यानी कि महेश बाबू की, की। जहाँ पर उन्हें एक हस्ताक्षर करना है अगर वो करते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ा जो मतलब फायदा हो सकता है अब क्या वैनकाटा रमन हस्ताक्षर करेंगे या नहीं क्या वो अपने एम को आपस मिलवाएँ या नहीं यही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है और पूरी मूवी की स्टोरी यही है बस आपको इसे के इर्द गिर्द पूरी मूवी घूमते नजर आएंगी हालांकि इसकी जो स्टोरी लाइन है वो दमदार है नहीं आप इसे एक बार देख सकते हैं मूवी के रिव्यू मिक्स आए थे क्योंकि दोस्तों वजह यही है कि इस मूवी की वीक स्टोरी और शायद इसके चलते ये, ये मूवी दोस्तों इतना कुछ खास कमाल नहीं कर पाई कहा जा रहा है इस मूवी का जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन हो चुका था और बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी एक एवरेज रही थी जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग छः की रेटिंग मिली हुई है और जो टाइम्स ता, ऑफ इंडिया है वहाँ पर भी इस मूवी को दोस्तों लगभग दो की रेटिंग मिली हुई है आगे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप दोस्तों अब इस मूवी को हिंदी भाषा में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हो चुकी है पर अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि इस मूवी के डबिंग को आखिरकार किसने करवाया है क्योंकि जो महेश बाबू है उनका वॉइस ओवर सचिन गोले ने दिया है जिन्होंने के जी में रॉकी को दिया था क्योंकि जो सचिन गोले हैं वो काफ़ी काफ़ी टाइम से गोल्ड मैन में काम नहीं करते हैं और बहुत सारी मूवीज इन्होंने नहीं की है लगभग दो तीन साल में तो ये मूवी अचानक से आई तो हो सकता है कि अब ये डबिंग जो है वो गोल्ड मैन को छोड़ कर कोई और करवाया हो खैर तो आपको कुछ दिन मालूम पड़ ही जाएगा या फिर कुछ घंटों में मैं यहाँ पर अपना जो कम्यूनिटी वहाँ पर पोस्ट जरूर कर दूँगा अगर हम इसकी कुछ रेटिंग के बारे में बात करें तो रेटिंग काफ़ी एवरेज है जो रॉट टोमेटो वहाँ पर भी फोर्टी एट परसेंट लोगों ने लाइक दिया था और मूवी का जो डायरेक्शन था वो त्रिविक्रम श्रीनिवास का है अगर उनके बारे में बात करें तो जो त्रिविक्रम श्रीनिवास है इन्होंने बहुत सारी शानदार फिल्में अपने जीवन काल में बनाई हैं जैसे कि अल्लाह मुलो अरविंदा समेत समितवीरा राघवा अथोडू ऐसे बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं तो वो एक बेहतरीन डायरेक्टर है इसमें कोई शक नहीं है आप क्या सकते हैं इन्होंने काफ़ी सारी कमाल की फ़िल्में बनाई है और काफ़ी सारी फिल्में इन्होंने लिखी भी है तो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है इसे इस नकारा बिल्कुल भी नहीं जा सकता है और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड मिल चुके हैं जैसे कि नंदी अवार्ड है फिल्म फेयर अवार्ड और साउथ ऐसे बहुत सारे अवार्ड इन्हें मिले हुए हैं तो मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखी जा सके तो आप इस मूवी को बेशक देख सकते हैं तो अभी जाइए नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं आने वाले समय में इस मूवी का अगर यूट्यूब पर हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा पर मेरे हिसाब से इसके चांस अभी के लिए तो बहुत ही कम है ये मूवी आपको आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगी दोस्तों यहाँ पर जो महेश बाबू है उनका स्लो मो काफ़ी बढ़िया है वो काफ़ी अच्छी स्टाइल में एंट्री मारते हैं काफ़ी तगड़ा एक्शन करते हैं और यहाँ पर हिंदी डबिंग बहुत ही बेहतरीन है मुझे दोस्तों यहाँ पर जो वॉइस ओवर था महेश बब्बू का वो काफ़ी सही लग रहा है और कहीं हद तक मैच भी हो रहा है कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की फिल्म का यहाँ पर जो है वो निर्माण किया गया है तो आपको अगर टाइम मिले तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए अगर इस मूवी की जो डबिंग है उसको गोल्ड मैन द्वारा करवाया गया होगा तो मूवी आपको कुछ हफ्तों बाद ही जो गोल्ड मैन का टीवी चैनल है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को बाद में टीवी पे देख पाएंगे बाकी यहाँ पर मूवी की जो कहानी है वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं ये मूवी दोस्तों काफ़ी जगह पर अब आ चुकी है जहाँ से आप चाहें तो देख सकते हैं हो सकता है कि आप लोग इसके बारे में जानते ही है ये भी हो सकता है कि आप ऐसे बहुत लोग इस मूवी को देख के आ रहे हैं यहाँ तक तो आप मुझे बता सकते हैं ये मूवी आपको कैसे लगी थी अच्छी लगी थी या फिर नहीं आप हमें ज़रूर बताइएगा अगर हम मूवी के बारे में थोड़ी आगे बात कर ले तो ये मूवी दोस्तों जो है वैसे फॉर के में भी उपलब्ध हो चुकी है जहाँ से आप जो नेटफ्लिक्स वहाँ पर अवेलेबल है आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं और ये मूवी दोस्तों जो एक बहुत ही बेहतरीन मूवी आपके लिए साबित हो सकती है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फैमिली टाइप मूवीज़ देखते हैं या फिर कोई मूवी जो देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो आप इस मूवी को बेशक देख सकते हैं ये आपको ज़रूर पसंद आने वाली है गुस्से में लिए गए फ़ैसले हमेशा हमें दुखी देते हैं और इस बात से नकरा बिल्कुल भी नहीं चाहता है कई बार आपके साथ भी हुआ होगा और आपके आसपास के लोगों को साथ भी ऐसा हुआ होगा और आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं शायद आपको मूवी में कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों आज हम गुटुरुकार मूवी के बारे में बात करेंगे और आप ही अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर से देख पाएंगे इन सब के बारे में बात करेंगे चलिए पहले एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डाल लेते हैं कि मूवी की कहानी क्या है दरअसल यहाँ पर कुछ लीड काफ्टे जैसे कि महेश बाबू है श्री लीला रम्या क्रिश्तन जगपति बाबू ब्रह्मानंदम ऐसे यहाँ पर कुछ लीड काफ्ट है। तो कहानी काफ़ी सिम्बलर रहती है कि जो महेश बाबू है इनके जो पिता है वो जेल में जा चुके हैं क्योंकि काफ़ी समय पहले घटना घटी थी और उस घटना के चलते उनके पिता जेल में है दूसरी यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि जो उनकी माताश्री है वो भी उनके साथ नहीं रहती है वो भी अपने मायका चली गई है मतलब कि अपने घर वापस लौट चुकी है और वहाँ पर वो रह रही है अब जो मतलब जो महेश बाबू जो है इसके जो दादाजी होते हैं बनते है, मतलब जो दादाजी हैं वो ये चाहते हैं कि वो जो है पॉलिटिक्स में जाए और वहाँ पर कुछ बने तो यहाँ पर जो महेश बाबू यानी कि जो वेंकट रमना है इनके जो माता श्री है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते वहाँ पर मंत्री बन जाती है फिर मूवी में आगे घटना घटती है और उस घटना के चलते ज़रूरत पड़ती है उन्हें वैनकाटा रमन की यानी कि महेश बाबू की, की। जहाँ पर उन्हें एक हस्ताक्षर करना है अगर वो करते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ा जो मतलब फायदा हो सकता है अब क्या वैनकाटा रमन वो हस्ताक्षर करेंगे या नहीं क्या वो अपने कैमेल को वापस मिलवाएं या नहीं यही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है और पूरी मूवी की स्टोरी यही है बस आपको इसे कि इर्द गिर्द पूरी मूवी घूमते नजर आएंगी हालांकि इसकी जो स्टोरी लाइन है वो इतनी दमदार है नहीं आप इसे एक बार देख सकते हैं मूवी के रिव्यू मिक्स आए थे क्योंकि दोस्तों वजह यही है कि इस मूवी की वीक स्टोरी और शायद इसके चलते ये मूवी दोस्तों इतना कुछ खास कमाल नहीं कर पाई कहा जा रहा है इस मूवी का जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन हो चुका था और बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी एक एवरेज रही थी जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग छः की रेटिंग मिली हुई है और जो टाइम्स ता, ऑफ इंडिया है वहाँ पर भी इस मूवी को 200 लगभग दो की रेटिंग मिली हुई है आगे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप दोस्तों अब इस मूवी को हिंदी भाषा में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हो चुकी है पर अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि इस मूवी के डबिंग को आखिरकार किसने करवाया है क्योंकि जो महेश बाबू है उनका वॉइस ओवर सचिन गोले ने दिया है जिन्होंने के जी में रॉकी को दिया था क्योंकि जो सचिन गोले है वो काफ़ी काफ़ी टाइम से गोल्डमैन में काम नहीं करते हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने नहीं की है लगभग दो तीन साल में तो ये मूवी अचानक से आई तो हो सकता है कि अब ये डबिंग जो है वो गोलमैंड को छोड़ कर कोई और करवाया हो खैर तो आपको कुछ दिन मालूम पड़ ही जाएगा या फिर कुछ घंटों में मैं यहाँ पर अपना जो कम्यूनिटी वहाँ पर पोस्ट ज़रूर कर दूँगा अगर हम इसकी कुछ रेटिंग के बारे में बात करें तो रेटिंग काफ़ी एवरेज है जो रॉट एंड टोमेटो वहाँ पर भी फोर्टी एट परसेंट लोगों ने लाइक दिया था और मूवी का जो डायरेक्शन था वो त्रिविक्रम श्रीनिवास का है अगर उनके बारे में बात करें तो धो त्रिविक्रम श्रीनिवास है इन्होंने बहुत सारी शानदार फिल्में अपने जीवन काल में बनाई हैं जैसे कि अल्लाह मुलो अरविंदा समेत समीरा राघवा अथोडू आ, 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 ऐसे बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं तो वो एक बेहतरीन डायरेक्टर है इसमें कोई शक नहीं है आप कह सकते हैं इन्होंने काफ़ी सारी कमाल की फ़िल्में बनाई है और काफ़ी सारी फिल्में इन्होंने लिखी भी है तो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है इसे नकारा बिल्कुल भी नहीं जा सकता है और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड मिल चुके हैं जैसे कि नंदी अवार्ड है फिल्म फेयर अवार्ड और साउथ ऐसे बहुत सारे अवार्ड इन्हें मिले हुए हैं तो मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऐसे मूवी देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखी जा सके तो आप इस मूवी को बेशक सक, देख सकते हैं तो अभी जाइए नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं आने वाले समय में इस मूवी का अगर यूट्यूब प्रीमियर हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा पर मेरे हिसाब से इसके चांस अभी के लिए तो बहुत ही कम है ये मूवी आपको आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगी दोस्तों यहाँ पर जो महेश बाबू है उनका स्लो मो काफ़ी बढ़िया है वो काफ़ी अच्छी स्टाइल में एंट्री मारते हैं काफ़ी तगड़ा एक्शन करते हैं और यहाँ पर हिंदी डबिंग बहुत ही बेहतरीन है मुझे दोस्तों यहाँ पर जो वॉइस ओवर था महेश बब्बू का वो काफ़ी सही लग रहा है और कहीं हद तक मैच भी हो रहा है कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की फिल्म का यहाँ पर जो है वो निर्माण किया गया है तो आपको अगर टाइम मिले तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए अगर इस मूवी की जो डबिंग है उसको गोल्ड माइन द्वारा करवाया गया होगा तो मूवी आपको कुछ हफ्तों बाद ही जो गोल्ड माइन का टीवी चैनल है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को बाद में टी वी देख पाएंगे बाकी यहाँ पर मूवी की जो कहानी है वो उस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं ये मूवी दोस्तों काफ़ी जगह पर अब आ चुकी है जहाँ से आप चाहें तो देख सकते हैं हो सकता है कि आप लोग इसके बारे में जानते ही है ये भी हो सकता है कि आप ऐसे बहुत लोग इस मूवी को देख के आ रहे हैं यहाँ तक तो आप मुझे बता सकते हैं ये मूवी आपको कैसे लगी थी अच्छी लगी थी या फिर नहीं आप हमें ज़रूर बताइएगा अगर हम मूवी के बारे में थोड़ी आगे बात कर ले तो ये मूवी दोस्तों जो है वैसे फॉर्के में भी उपलब्ध हो चुकी है जहाँ से आप जो नेटफ्लिक्स वहाँ पर अवेलेबल है आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं और ये मूवी दोस्तों जो एक बहुत ही बेहतरीन मूवी आपके लिए साबित हो सकती है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फैमिली टाइप मूवीज़ देखते हैं या फिर कोई मूवी जो देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो आप इस मूवी को बेशक देख सकते हैं ये आपको ज़रूर पसंद आने वाली है गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा हमें दुखी देते हैं और इस बात से नकर बिल्कुल भी नहीं चाहता है कई बार आपके साथ भी हुआ होगा और आपके आसपास के लोगों को साथ भी ऐसा हुआ होगा और आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं शायद आपको मूवी में कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों आज हम काराम मूवी के बारे में बात करेंगे और आप ही अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर से देख पाएंगे इन सब के बारे में बात करेंगे चलिए पहले एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डाल लेते हैं कि मूवी की कहानी क्या है दरअसल यहाँ पर कुछ लीड काफ्ट जैसे कि महेश बाबू है श्री लीला रम्या क्रिश्तन जगपति बाबू ब्रह्मानंदम ऐसे यहाँ पर कुछ लीड है तो कहानी काफ़ी सिम्बल रहती है कि जो महेश बाबू है इनके जो पिता है वो जेल में जा चुके हैं क्योंकि काफ़ी समय पहले घटना घटी थी और उस घटना के चलते उनके पिता जेल में है दूसरी यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि जो उनकी माता श्री है वो भी उनके साथ नहीं रहती है वो भी अपने मायका चली गई है मतलब कि अपने घर वापस लौट चुकी है और वहाँ पर वो रह रही है अब जो मतलब जो महेश बाबू जो है इसके जो दादाजी होते हैं बनते हैं मतलब जो दादाजी हैं वही चाहते हैं कि वो जो है पॉलिटिक्स में जाए और वहाँ पर कुछ बने तो यहाँ पर जो महेश बाबू यानी कि जो वेंकट रमना है इनके जो माता है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते है, वहाँ पर मंत्री बन जाती है फिर मूवी में आगे घटना घटती है और उस घटना के चलते ज़रूरत पड़ती है उन्हें वेंकटा रमन की यानी कि महेश बाबू की जहाँ पर उन्हें एक हस्ताक्षर करना है अगर वो करते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ा जो मतलब फ़ायदा हो सकता है अब क्या वेनकटा रमना वो हस्तखस्त करेंगे या नहीं क्या वो अपने हमेल को आपस मिलवाएँ या नहीं यही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है और पूरी मूवी की स्टोरी यही है बस आपको इसे की इर्द गिर्द पूरी मूवी घूमते नजर आएंगी हालांकि इसकी जो स्टोरी लाइन है वो वही दमदार है नहीं आप इसे एक बार देख सकते हैं मूवी के रिव्यू मिक्स आए थे क्योंकि दोस्तों वजह यही है कि इस मूवी की वीक स्टोरी और शायद इसके चलते ये मूवी दोस्तों इतना कुछ खास कमाल नहीं कर पाई कहा जा रहा है इस मूवी का जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन हो चुका था और बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी एक एवरेज रही थी जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग छः की रेटिंग मिली हुई है और जो टाइम्स ता, ऑफ इंडिया है वहाँ पर भी इस मूवी को दो लगभग दो की रेटिंग मिली हुई है आगे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप दोस्तों अब इस मूवी को हिंदी भाषा में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हो चुकी है पर अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि इस मूवी की डबिंग को आखिरकार किसने करवाया है क्योंकि जो महेश बाबू है उनका वॉइस ओवर सचिन गोले ने दिया है जिन्होंने के जी आफ में रॉकी को दिया था क्योंकि जो सचिन गोले है वो काफ़ी काफ़ी टाइम से गोल्डमैन में काम नहीं करते हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने नहीं की है लगभग दो तीन साल में तो ये मूवी अचानक से आई तो हो सकता है कि अब ये डबिंग जो है वो गोल्ड मैन को छोड़कर कोई और करवाया हो खे तो आपको कुछ दिन मालूम पड़ ही जाएगा या फिर कुछ घंटों में मैं यहाँ पर अपना जो कम्यूनिटी वहाँ पर पोस्ट जरूर कर दूँगा अगर हम इसकी कुछ रेटिंग के बारे में बात करें तो रेटिंग काफ़ी एवरेज है जो रॉट टोमेटो वहाँ पर भी फोर्टी एट परसेंट लोगों ने लाइक दिया था और मूवी का जो डायरेक्शन था वो त्रिविक्रम श्रीनिवास का है अगर उनके बारे में बात करें तो जो त्रिविक्रम श्रीनिवास है इन्होंने बहुत सारी शानदार फिल्में अपने जीवन काल में बनाई हैं जैसे कि अल्लाह अरविंदा समेत समित राघवा अथोडू आ, 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 ऐसे बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं तो वो एक बेहतरीन डायरेक्टर है इसमें कोई शक नहीं है आप कह सकते हैं इन्होंने काफ़ी सारी कमाल की फ़िल्में बनाई है और काफ़ी सारी फिल्म इन्होंने लिखी भी है तो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है जिस नकारा बिल्कुल भी नहीं जा सकता है और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड मिल चुके हैं जैसे कि नंदी अवार्ड है फिल्म फेयर अवार्ड और साउथ ऐसे बहुत सारे अवार्ड इन्हें मिले हुए हैं तो मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखी जा सके तो आप इस मूवी को बेशक सक देख सकते हैं तो अभी जाइए नेटफ्लिक्स पर वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं आने वाले समय में इस मूवी का अगर यूट्यूब पर भी हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा पर मेरे हिसाब से इसके चांस अभी के लिए तो बहुत ही कम है ये मूवी आपको आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगी दोस्तों यहाँ पर जो महेश बाबू है उनका स्लोमो काफ़ी बढ़िया है वो काफ़ी अच्छी स्टाइल में एंट्री मारते हैं काफ़ी तगड़ा एक्शन करते हैं और यहाँ पर हिंदी डबिंग बहुत ही बेहतरीन है मुझे दोस्तों यहाँ पर जो वॉइस ओवर था महेश बब्बो का वो काफ़ी सही लग रहा है और कहीं हद तक मैच भी हो रहा है कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की फिल्म का यहाँ पर जो है वो निर्माण किया गया है तो आपको अगर टाइम मिले तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए अगर इस मूवी की जो डबिंग है उसको गोल्ड मैन द्वारा करवाया गया होगा तो मूवी आपको कुछ हफ्तों बाद ही जो गोल्ड माइन का टीवी चैनल है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को बाद में टीवी पे देख पाएंगे बाकी यहाँ पर मूवी की जो कहानी है वो इस तरह से डिजाइन की गई है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं ये मूवी दोस्तों काफ़ी जगह पर अब आ चुकी है जहाँ से आप चाहें तो देख सकते हैं हो सकता है कि आप लोग इसके बारे में जानते ही है ये भी हो सकता है कि आप ऐसे बहुत लोग इस मूवी को देख के आ रहे हैं यहाँ तक तो आप मुझे बता सकते हैं ये मूवी आपको कैसे लगी थी अच्छी लगी थी या फिर नहीं आप हमें ज़रूर बताइएगा अगर हम मूवी के बारे में थोड़ी तो आगे बात कर ले तो ये मूवी दोस्तों जो है वैसे फॉर्के में भी उपलब्ध हो चुकी है जहाँ से आप जो नेटफ्लिक्स वहाँ पर अवेलेबल है आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं और ये मूवी दोस्तों जो एक बहुत ही बेहतरीन मूवी आपके लिए साबित हो सकती है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फैमिली टाइप मूवीज़ देखते हैं या फिर कोई मूवीज़ जो देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो आप इस मूवी को बेशक देख सकते हैं ये आपको ज़रूर पसंद आने वाली है गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा हमें दुखी देते हैं और इस बात से नकरा बिल्कुल भी नहीं चाहता है कई बार आपके साथ भी हुआ होगा और आपके आसपास के लोगों को साथ भी ऐसा हुआ होगा और आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं शायद आपको मूवी में कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों आज हम गुटरुकार मूवी के बारे में बात करेंगे और आप ये अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर से देख पाएंगे इन सब के बारे में बात करेंगे चलिए पहले एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डाल लेते हैं कि मूवी की कहानी क्या है दरअसल यहाँ पर कुछ लीड है जैसे कि महेश बाबू है श्री लीला रम्या कृष्णन जगपति बाबू ब्रह्मानंदम ऐसे यहाँ पर कुछ लीड काफ्ट तो कहानी काफ़ी सिंबल रहती है कि जो महेश बाबू है इनके जो पिता है वो जेल में जा चुके हैं क्योंकि काफ़ी समय पहले घटना घटी थी और उस घटना के चलते उनके पिता जेल में है दूसरी यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि जो उनकी माताश्री है वो भी उनके साथ नहीं रहती है वो भी अपने मायक चली गई है मतलब कि अपने घर वापस लौट चुकी है और वहाँ पर वो रह रही है अब जो मतलब जो महेश बाबू जो है इसके जो दादाजी होते हैं बनते है, मतलब जो दादाजी हैं वो चाहते हैं कि वो जो है पॉलिटिक्स में जाए और वहाँ पर कुछ बने तो यहाँ पर जो महेश बाबू यानी कि जो वेंकट रमना है इनके जो माताश्री है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते वहाँ पर मंत्री बन जाती है फिर मूवी में आगे घटना घटती है और उस घटना के चलते ज़रूरत पड़ती है उन्हें वैनकाटा रमन की यानी कि महेश बाबू की, की। जहाँ पर उन्हें एक हस्ताक्षर करना है अगर वो करते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ा जो मतलब फायदा हो सकता है अब क्या वैनक रमन वो हस्ताक्षर करेंगे या नहीं क्या वो अपने एम को आपस मिलवाएँ या नहीं यही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है और पूरी मूवी की स्टोरी यही है बस आपको इसे के इर्द गिर्द पूरी मूवी घूमते नजर आएंगी हालांकि इसकी जो स्टोरी लाइन है वो उतनी दमदार है नहीं आप इसे एक बार देख सकते हैं मूवी के रिव्यू मिक्स आए थे क्योंकि दोस्तों वजह यही है कि इस मूवी की वीक स्टोरी और शायद इसके चलते ये, ये मूवी दोस्तों इतना कुछ खास कमाल नहीं कर पाई कहा जा रहा है इस मूवी का जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन हो चुका था और बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी एक एवरेज रही थी जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से लगभग छः की रेटिंग मिली हुई है और जो टाइम्स ता, ऑफ इंडिया है वहाँ पर भी इस मूवी को दोस्तों लगभग दो की रेटिंग मिली हुई है आगे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप दोस्तों अब इस मूवी को हिंदी भाषा में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हो चुकी है पर अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि इस मूवी के डबिंग को आखिरकार किसने करवाया है क्योंकि जो महेश बाबू है उनका वॉइस ओवर सचिन गोले ने दिया है जिन्होंने के जी आप में रॉकी को दिया था क्योंकि जो सचिन गोले है वो काफ़ी काफ़ी टाइम से गोल्ड मैन में काम नहीं करते हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने नहीं की है लगभग दो तीन साल में तो ये मूवी अचानक से आई तो हो सकता है कि अब ये डबिंग जो है वो गोल्ड मैन को छोड़ कर कोई और करवाया हो खैर तो आपको कुछ दिन मालूम पड़ ही जाएगा या फिर कुछ घंटों में मैं यहाँ पर अपना जो कम्यूनिटी वहाँ पर पोस्ट जरूर कर दूँगा अगर हम इसकी कुछ रेटिंग के बारे में बात करें तो रेटिंग काफ़ी एवरेज है जो रॉट टोमेटो वहाँ पर भी फोर्टी एट परसेंट लोगों ने लाइक दिया था और मूवी का जो डायरेक्शन था वो त्रिविक्रम श्रीनिवास का है अगर उनके बारे में बात करें तो जो त्रिविक्रम श्रीनिवास है इन्होंने बहुत सारी शानदार फिल्में अपने जीवन काल में बनाई हैं जैसे कि अल्लाह बैनकुरमुल अरविंदा समेत समितवीरा राघवा अथोडू ऐसे बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं तो वो एक बेहतरीन डायरेक्टर है इसमें कोई शक नहीं है आप क्या सकते हैं इन्होंने काफ़ी सारी कमाल की फ़िल्में बनाई है और काफ़ी सारी फिल्में इन्होंने लिखी भी है तो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है जिससे नगर बिल्कुल भी नहीं जा सकता है और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड मिल चुके हैं जैसे कि नंदी अवार्ड है फिल्म फेयर अवार्ड और साउथ ऐसे बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं तो मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखी जा सके तो आप इस मूवी को बेशक देख सकते हैं तो अभी जाइए नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं आने वाले समय में इस मूवी का अगर यूट्यूब पर हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा पर मेरे हिसाब से इसके चांस अभी के लिए तो बहुत ही कम है ये मूवी आपको आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगी दोस्तों यहाँ पर जो महेश बाबू है उनका स्लो मो काफ़ी बढ़िया है वो काफ़ी अच्छी स्टाइल में एंट्री मारते हैं काफ़ी तगड़ा एक्शन करते हैं और यहाँ पर हिंदी डबिंग बहुत ही बेहतरीन है मुझे दोस्तों यहाँ पर जो वॉइस ओवर था महेश बब्बू का वो काफ़ी सही लग रहा है और कहीं हद तक मैच भी हो रहा है कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की फिल्म का यहाँ पर जो है वो निर्माण किया गया है तो आपको अगर टाइम मिले तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए अगर इस मूवी की जो डबिंग है उसको गोल्ड माइन द्वारा करवाया गया होगा तो मूवी आपको कुछ हफ्तों बाद ही जो गोल्ड माइन का टीवी चैनल है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को बाद में टीवी पे देख पाएंगे बाकी यहाँ पर मूवी की जो कहानी है वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं ये मूवी दोस्तों काफ़ी जगह पर अब आ चुकी है जहाँ से आप चाहें तो देख सकते हैं हो सकता है कि आप लोग इसके बारे में जानते ही है ये भी हो सकता है कि आप ऐसे बहुत लोग इस मूवी को देख के आ रहे हैं यहाँ तक तो आप मुझे बता सकते हैं ये मूवी आपको कैसे लगी थी अच्छी लगी थी या फिर नहीं आप हमें ज़रूर बताइएगा अगर हम मूवी के बारे में थोड़ी आगे बात कर ले तो ये मूवी दोस्तों जो है वैसे फॉर के में भी उपलब्ध हो चुकी है जहाँ से आप जो नेटफ्लिक्स वहाँ पर अवेलेबल है आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं और ये मूवी दोस्तों जो एक बहुत ही बेहतरीन मूवी आपके लिए साबित हो सकती है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फैमिली टाइप मूवीज़ देखते हैं या फिर कोई मूवी जो देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो आप इस मूवी को बेशक देख सकते हैं ये आपको ज़रूर पसंद आने वाली है गुस्से में लिए गए फ़ैसले हमेशा हमें दुखी देते हैं और इस बात से नकरा बिल्कुल भी नहीं चाहता है कई बार आपके साथ भी हुआ होगा और आपके आसपास के लोगों को साथ भी ऐसा हुआ होगा और आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं शायद आपको मूवी में कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों आज हम गुटरुकार मूवी के बारे में बात करेंगे और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर से देख पाएंगे इन सब के बारे में बात करेंगे चलिए पहले एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डाल लेते हैं कि मूवी की कहानी क्या है दरअसल यहाँ पर कुछ लीड काफ्टे जैसे कि महेश बाबू है श्री लीला रम्या क्रिश्तन जगपति बाबू ब्रह्मानंदम ऐसे यहाँ पर कुछ लीड काफ्ट है। तो कहानी काफ़ी सिम्बल रहती है कि जो महेश बाबू है इनके जो पिता है वो जेल में जा चुके हैं क्योंकि काफ़ी समय पहले घटना घटी थी और उस घटना के चलते उनके पिता जेल में है दूसरी यहाँ पर दिक्कत यह भी है कि जो उनकी माताश्री है वो भी उनके साथ नहीं रहती है वो भी अपने मायका चली गई है मतलब कि अपने घर वापस लौट चुकी है और वहाँ पर वो रह रही है अब जो मतलब जो महेश बाबू जो है इसके जो दादाजी होते हैं बनते है, मतलब जो दादाजी हैं वो ये चाहते हैं कि वो जो है पॉलिटिक्स में जाए और वहाँ पर कुछ बने तो यहाँ पर जो महेश बाबू यानी कि जो वेंकट रमना है इनके जो माता श्री है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते वहाँ पर मंत्री बन जाती है फिर मूवी में आगे घटना घटती है और उस घटना के चलते ज़रूरत पड़ती है उन्हें वैनकाटा रमन की यानी कि महेश बाबू की, की। जहाँ पर उन्हें एक हस्ताक्षर करना है अगर वो करते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ा जो मतलब फायदा हो सकता है अब क्या वैनकाटा रमन वो हस्ताक्षर करेंगे या नहीं क्या वो अपने एम को वापस मिलवाएँ या नहीं यही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है और पूरी मूवी की स्टोरी यही है बस आपको इसे इर्द कि इर्द गिर्द पूरी मूवी घूमते नजर आएंगी हालांकि इसकी जो स्टोरी लाइन है वो इतनी दमदार है नहीं आप इसे एक बार देख सकते हैं मूवी के रिव्यू मिक्स आए थे क्योंकि दोस्तों वजह यही है कि इस मूवी की वीक स्टोरी और शायद इसके चलते ये मूवी दोस्तों इतना कुछ खास कमाल नहीं कर पाई कहा जा रहा है इस मूवी का जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन हो चुका था और बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी एक एवरेज रही थी जो आईएमडीबी है वहाँ पर दस में से लगभग छः की रेटिंग मिली हुई है और जो टाइम्स ता, ऑफ इंडिया है वहाँ पर भी इस मूवी को दो लगभग दो की रेटिंग मिली हुई है आगे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप दोस्तों अब इस मूवी को हिंदी भाषा में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हो चुकी है पर अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि इस मूवी के डबिंग को आखिरकार किसने करवाया है क्योंकि जो महेश बाबू है उनका वॉइस ओवर सचिन गोले ने दिया है जिन्होंने के जी में रॉकी को दिया था क्योंकि जो सचिन गोले है वो काफ़ी काफ़ी टाइम से गोल्डमैन में काम नहीं करते हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने नहीं की है लगभग दो तीन साल में तो ये मूवी अचानक से आई तो हो सकता है कि अभी ये डबिंग जो है वो गोलमैंड को छोड़ कर कोई और करवाया हो खैर तो आपको कुछ दिन मालूम पड़ ही जाएगा या फिर कुछ घंटों में मैं यहाँ पर अपना जो कम्यूनिटी वहाँ पर पोस्ट जरूर कर दूँगा अगर हम इसकी कुछ रेटिंग के बारे में बात करें तो रेटिंग काफ़ी एवरेज है जो रॉट टोमेटो वहाँ पर भी फोटी लोगों ने लाइक दिया था और मूवी का जो डायरेक्शन था वो त्रिविक्रम श्रीनिवास का है अगर उनके बारे में बात करें तो धो त्रिविक्रम श्रीनिवास है इन्होंने बहुत सारी शानदार फिल्में अपने जीवन काल में बनाई हैं जैसे कि अल्लाह मुलो अरविंदा समेत समितवीरा राघवा अथोडू आ, 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 ऐसे बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं तो वो एक बेहतरीन डायरेक्टर है इसमें कोई शक नहीं है आप कह सकते हैं इन्होंने काफ़ी सारी कमाल की फिल्में बनाई है और काफ़ी सारी फिल्में इन्होंने लिखी भी है तो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है इसे नकारा बिल्कुल भी नहीं जा सकता है और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड मिल चुके हैं जैसे कि नंदी अवार्ड है फिल्म फेयर अवार्ड और साउथ ऐसे बहुत सारे अवार्ड इन्हें मिले हुए हैं तो मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखी जा सके तो आप इस मूवी को बेशक सक, देख सकते हैं तो अभी जाइए नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं आने वाले समय में इस मूवी का अगर यूट्यूब प्रीमियर हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा पर मेरे हिसाब से इसके चांस अभी के लिए तो बहुत ही कम है ये मूवी आपको आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगी दोस्तों यहाँ पर जो महेश बाबू है उनका स्लो मो काफ़ी बढ़िया है वो काफ़ी अच्छी स्टाइल में एंट्री मारते हैं काफ़ी तगड़ा एक्शन करते हैं और यहाँ पर हिंदी डबिंग बहुत ही बेहतरीन है मुझे दोस्तों यहाँ पर जो वॉइस ओवर था महेश बब्बू का वो काफ़ी सही लग रहा है और कहीं हद तक मैच भी हो रहा है कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की फिल्म का यहाँ पर जो है वो निर्माण किया गया है तो आपको अगर टाइम मिले तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए अगर इस मूवी की जो डबिंग है उसको गोल्ड मैन द्वारा करवाया गया होगा तो मूवी आपको कुछ हफ्तों बाद ही जो गोल्ड मैन का टी चैनल है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को बाद में टी वी देख पाएंगे बाकी यहाँ पर मूवी की जो कहानी है वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं ये मूवी दोस्तों काफ़ी जगह पर अब आ चुकी है जहाँ से आप चाहें तो देख सकते हैं हो सकता है कि आप लोग इसके बारे में जानते ही है ये भी हो सकता है कि आप ऐसे बहुत लोग इस मूवी को देख के आ रहे हैं यहाँ तक तो आप मुझे बता सकते हैं ये मूवी आपको कैसे लगी थी अच्छी लगी थी या फिर नहीं आप हमें ज़रूर बताइएगा अगर हम मूवी के बारे में थोड़ी तो आगे बात कर ले तो ये मूवी दोस्तों जो है वैसे फॉर के में भी उपलब्ध हो चुकी है जहाँ से आप जो नेटफ्लिक्स वहाँ पर अवेलेबल है आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं और ये मूवी दोस्तों जो एक बहुत ही बेहतरीन मूवी आपके लिए साबित हो सकती है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फैमिली टाइप मूवीज़ देखते हैं या फिर कोई मूवी जो देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो आप इस मूवी को बेशक देख सकते हैं ये आपको ज़रूर पसंद आने वाली है गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा हमें दुखी देते हैं और इस बात से नकरा बिल्कुल भी नहीं चाहता है कई बार आपके साथ भी हुआ होगा और आपके आसपास के लोगों को साथ भी ऐसा हुआ होगा और आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं शायद आपको मूवी में कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों आज हम गुटुर काराम मूवी के बारे में बात करेंगे और आप ही अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर से देख पाएंगे इन सब के बारे में बात करेंगे चलिए पहले एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डाल लेते हैं कि मूवी की कहानी क्या है दरअसल यहाँ पर कुछ लीड काफ्ट है जैसे कि महेश बाबू है श्री लीला रम्या क्रिश्तन जगपति बाबू ब्रह्मानंदम ऐसे यहाँ पर कुछ लीड काफ्ट तो कहानी काफ़ी सिम्बलर रहती है कि जो महेश बाबू है इनके जो पिता है वो जेल में जा चुके हैं क्योंकि काफ़ी समय पहले घटना घटी थी और उस घटना के चलते उनके पिता जेल में है दूसरी यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि जो उनकी माता श्री है वो भी उनके साथ नहीं रहती है वो भी अपने मायका चली गई है मतलब कि अपने घर वापस लौट चुकी है और वहाँ पर वो रह रही है अब जो मतलब जो महेश बाबू जो है इसके जो दादाजी होते हैं बनते हैं मतलब जो दादाजी हैं वे चाहते हैं कि वो जो है पॉलिटिक्स में जाए और वहाँ पर कुछ बने तो यहाँ पर जो महेश बाबू यानी कि जो वेंकट रमना है इनके जो माता है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते है, वहाँ पर मंत्री बन जाती है फिर मूवी में आगे घटना घटती है और उस घटना के चलते ज़रूरत पड़ती है उन्हें वेंकटा रमन की यानी कि महेश बाबू की जहाँ पर उन्हें एक हस्ताक्षर करना है अगर वो करते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ा जो मतलब फ़ायदा हो सकता है अब क्या वेंगटा रमना वो हस्तगस्त करेंगे या नहीं क्या वो अपने एम को वापस मिलवाएँ या नहीं यही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है और पूरी मूवी की स्टोरी यही है बस आपको इसे के कि इर्द गिर्द पूरी मूवी घूमते नजर आएंगी हालांकि इसकी जो स्टोरी लाइन है वो इतनी दमदार है नहीं आप इसे एक बार देख सकते हैं मूवी के रिव्यू मिक्स आए थे क्योंकि दोस्तों वजह यही है कि इस मूवी की वीक स्टोरी और शायद इसके चलते ये मूवी दोस्तों इतना कुछ खास कमाल नहीं कर पाई कहा जा रहा है इस मूवी का जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन हो चुका था और बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी एक एवरेज रही थी जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग छः की रेटिंग मिली हुई है और जो टाइम्स ता, ऑफ इंडिया है वहाँ पर भी इस मूवी को 200 लगभग दो की रेटिंग मिली हुई है आगे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप दोस्तों अब इस मूवी को हिंदी भाषा में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हो चुकी है पर अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि इस मूवी की डबिंग को आखिरकार किसने करवाया है क्योंकि जो महेश बाबू है उनका वॉइस ओवर सचिन गोले ने दिया है जिन्होंने के जी में रॉकी को दिया था क्योंकि जो सचिन गोले है वो काफ़ी काफ़ी टाइम से गोल्ड मैन में काम नहीं करते हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने नहीं की है लगभग दो तीन साल में तो ये मूवी अचानक से आई तो हो सकता है कि अब ये डबिंग जो है वो गोल्डमैन को छोड़कर कोई और करवाया हो खैर रहे तो आपको कुछ दिन मालूम पड़ ही जाएगा या फिर कुछ घंटों में मैं यहाँ पर अपना जो कम्यूनिटी वहाँ पर पोस्ट जरूर कर दूँगा अगर हम इसकी कुछ रेटिंग के बारे में बात करें तो रेटिंग काफ़ी एवरेज है जो रॉट टोमेटो वहाँ पर भी फोर्टी एट परसेंट लोगों ने लाइक दिया था और मूवी का जो डायरेक्शन था वो त्रिविक्रम श्रीनिवास का है अगर उनके बारे में बात करें तो जो त्रिविक्रम श्रीनिवास है इन्होंने बहुत सारी शानदार फिल्में अपने जीवन काल में बनाई हैं जैसे कि अल्लाह मुलो अरविंदा समेत समितवीरा राघवा अथोडू आ, 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 ऐसे बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं तो वो एक बेहतरीन डायरेक्टर है इसमें कोई शक नहीं है आप कह सकते हैं इन्होंने काफ़ी सारी कमाल की फिल्में बनाई है और काफ़ी सारी फिल्म लिखी भी है तो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है इसे नकारा बिल्कुल भी नहीं जा सकता है और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड मिल चुके हैं जैसे कि डांधी अवार्ड है फिल्म फेयर अवार्ड और साउथ ऐसे बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं तो मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखी जा सके तो आप इस मूवी को बेशक देख सकते हैं तो अभी जाइए नेटफ्लिक्स में वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं आने वाले समय में इस मूवी का अगर यूट्यूब पर भी हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा पर मेरे हिसाब से इसके चांस अभी के लिए तो बहुत ही कम है ये मूवी आपको आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगी दोस्तों यहाँ पर जो महेश बाबू है उनका स्लोमो काफ़ी बढ़िया है वो काफ़ी अच्छी स्टाइल में एंट्री मारते हैं काफ़ी तगड़ा एक्शन करते हैं और यहाँ पर हिंदी डबिंग बहुत ही बेहतरीन है मुझे दोस्तों यहाँ पर जो वॉइस ओवर था महेश बब्बो का वो काफ़ी सही लग रहा है और कहीं हद तक मैच भी हो रहा है कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की फिल्म का यहाँ पर जो है वो निर्माण किया गया है तो आपको अगर टाइम मिले तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए अगर इस मूवी की जो डबिंग है उसको गोल्ड मैन द्वारा करवाया गया होगा तो मूवी आपको कुछ हफ्तों बाद ही जो गोल्ड माइन का टीवी चैनल है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को बाद में टीवी पे देख पाएंगे बाकी यहाँ पर मूवी की जो कहानी है वो इस तरह से डिजाइन की गई है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं ये मूवी दोस्तों काफ़ी जगह पर अब आ चुकी है जहाँ से आप चाहें तो देख सकते हैं हो सकता है कि आप लोग इसके बारे में जानते ही है ये भी हो सकता है कि आप ऐसे बहुत लोग इस मूवी को देख के आ रहे हैं यहाँ तक तो आप मुझे बता सकते हैं ये मूवी आपको कैसे लगी थी अच्छी लगी थी या फिर नहीं आप हमें ज़रूर बताइएगा अगर हम मूवी के बारे में थोड़ी तो आगे बात कर ले तो ये मूवी दोस्तों जो है वैसे फॉर के में भी उपलब्ध हो चुकी है जहाँ से आप जो नेटफ्लिक्स वहाँ पर अवेलेबल है आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं और ये मूवी दोस्तों जो एक बहुत ही बेहतरीन मूवी आपके लिए साबित हो सकती है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फैमिली टाइप मूवीज़ देखते हैं या फिर कोई मूवी जो देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो आप इस मूवी को बेशक देख सकते हैं ये आपको ज़रूर पसंद आने वाली है गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा हमें दुखी देते हैं और इस बात से नक बिल्कुल भी नहीं चाहता है कई बार आपके साथ भी हुआ होगा और आपके आसपास के लोगों को साथ भी ऐसा हुआ होगा और आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं शायद आपको मूवी में कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों आज हम गुटरूकार मूवी के बारे में बात करेंगे और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर से देख पाएंगे इन सब के बारे में बात करेंगे चलिए पहले एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डाल लेते हैं कि मूवी की कहानी क्या है दरअसल यहाँ पर कुछ लीड काफ्टे जैसे कि महेश बाबू है श्री लीला रम्या क्रिश्तन जगपति बाबू ब्रह्मानंदम ऐसे यहाँ पर कुछ लीड काफ्ट तो कहानी काफ़ी सिमलर रहती है कि जो महेश बाबू है इनके जो पिता है वो जेल में जा चुके हैं क्योंकि काफ़ी समय पहले घटना घटी थी और उस घटना के चलते उनके पिता जेल में है दूसरी यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि जो उनकी माताश्री है वो भी उनके साथ नहीं रहती है वो भी अपने मायका चली गई है मतलब कि अपने घर वापस लौट चुकी है और वहाँ पर वो रह रही है अब जो मतलब जो महेश बाबू जो है इसके जो दादाजी होते हैं बनते है, मतलब जो दादाजी हैं वही चाहते हैं कि वो जो है पॉलिटिक्स में जाए और वहाँ पर कुछ बने तो यहाँ पर जो महेश बाबू यानी कि जो वेंकट रमना है इनके जो माताश्री है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते वहाँ पर मंत्री बन जाती है फिर मूवी में आगे घटना घटती है और उस घटना के चलते ज़रूरत पड़ती है उन्हें वैनकटा रमन की यानी कि महेश बाबू की, की। जहाँ पर उन्हें एक हस्ताक्षर करना है अगर वो करते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ा जो मतलब फायदा हो सकता है अब क्या वैनकटा रमन वो हस्ताक्षर करेंगे या नहीं क्या वो अपने एम को वापस मिलवाए या नहीं यही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है और पूरी मूवी की स्टोरी यही है बस आपको इसे के इर्द गिर्द पूरी मूवी घूमते नजर आएंगी हालांकि इसकी जो स्टोरी लाइन है वो दमदार है नहीं आप इसे एक बार देख सकते हैं मूवी के रिव्यू मिक्स आए थे क्योंकि दोस्तों वजह यही है कि इस मूवी की वीक स्टोरी और शायद इसके चलते ये मूवी दोस्तों इतना कुछ खास कमाल नहीं कर पाई कहा जा रहा है इस मूवी का जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन हो चुका था और बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी एक एवरेज रही थी जो आई एम डी बी है वहाँ पर 10 में से लगभग छः की रेटिंग मिली हुई है और जो टाइम्स ता, ऑफ इंडिया है वहाँ पर भी इस मूवी को दोस्तों लगभग दो की रेटिंग मिली हुई है आगे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप दोस्तों अब इस मूवी को हिंदी भाषा में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हो चुकी है पर अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि इस मूवी की डबिंग को आखिरकार किसने करवाया है क्योंकि जो महेश बाबू है उनका वॉइस ओवर सचिन गोले ने दिया है जिन्होंने के जी आप में रॉकी को दिया था क्योंकि जो सचिन गोले हैं वो काफ़ी काफ़ी टाइम से गोल्ड मैन में काम नहीं करते हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने नहीं की है लगभग दो तीन साल में तो ये मूवी अचानक से आई तो हो सकता है कि अभी ये डबिंग जो है वो गोल्ड मैन को छोड़ कर कोई और करवाया हो खैर तो आपको कुछ दिन मालूम पड़ ही जाएगा या फिर कुछ घंटों में मैं यहाँ पर अपना जो कम्यूनिटी वहाँ पर पोस्ट जरूर कर दूँगा अगर हम इसकी कुछ रेटिंग के बारे में बात करें तो रेटिंग काफ़ी एवरेज है जो रॉट टोमेटो वहाँ पर भी फोर्टी एट परसेंट लोगों ने लाइक दिया था और मूवी का जो डायरेक्शन था वो त्रिविक्रम श्रीनिवास का है अगर उनके बारे में बात करें तो जो त्रिविक्रम श्रीनिवास है इन्होंने बहुत सारी शानदार फिल्में अपने जीवन काल में बनाई हैं जैसे कि अल्लाह बैनकुरमुलो अरविंदा समेत समितवीरा राघवा अथोडू ऐसे बहुत सारी मूवीज दे चुके हैं तो वो एक बेहतरीन डायरेक्टर है इसमें कोई शक नहीं है आप कह सकते हैं इन्होंने काफ़ी सारी कमाल की फ़िल्में बनाई है और काफ़ी सारी फिल्में इन्होंने लिखी भी है तो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है जिस नकार बिल्कुल भी नहीं जा सकता है और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड मिल चुके हैं जैसे कि नंदी अवार्ड है फिल्म फेयर अवार्ड और साउथ ऐसे बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं तो मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखी जा सके तो आप इस मूवी को बेशक देख सकते हैं तो अभी जाइए नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं आने वाले समय में इस मूवी का अगर यूट्यूब पर भी हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा पर मेरे हिसाब से इसके चांस अभी के लिए तो बहुत ही कम है ये मूवी आपको आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगी दोस्तों यहाँ पर जो महेश बाबू है उनका स्लो मो काफ़ी बढ़िया है वो काफ़ी अच्छी स्टाइल में एंट्री मारते हैं काफ़ी तगड़ा एक्शन करते हैं और यहाँ पर हिंदी डबिंग बहुत ही बेहतरीन है मुझे दोस्तों यहाँ पर जो वॉइस ओवर था महेश बब्बो का वो काफ़ी सही लग रहा है और कहीं हद तक मैच भी हो रहा है कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की फिल्म का यहाँ पर जो है वो निर्माण किया गया है तो आपको अगर टाइम मिले तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए अगर इस मूवी की जो डबिंग है उसको गोल्ड माइन द्वारा करवाया गया होगा तो मूवी आपको कुछ हफ्तों बाद ही जो गोल्ड माइन का टी चैनल है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को बाद में टी वी देख पाएंगे बाकी यहाँ पर मूवी की जो कहानी है वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं ये मूवी दोस्तों काफ़ी जगह पर अब आ चुकी है जहाँ से आप चाहे तो देख सकते हैं हो सकता है कि आप लोग इसके बारे में जानते ही है ये भी हो सकता है कि आप ऐसे बहुत लोग इस मूवी को देख के आ रहे हैं यहाँ तक तो आप मुझे बता सकते हैं ये मूवी आपको कैसे लगी थी अच्छी लगी थी या फिर नहीं आप हमें ज़रूर बताइएगा अगर हम मूवी के बारे में थोड़ी आगे बात कर ले तो ये मूवी दोस्तों जो है वैसे फॉर के में भी उपलब्ध हो चुकी है जहाँ से आप जो नेटफ्लिक्स वहाँ पर अवेलेबल है आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं और ये मूवी दोस्तों जो एक बहुत ही बेहतरीन मूवी आपके लिए साबित हो सकती है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फैमिली टाइप मूवीज़ देखते हैं या फिर कोई मूवी जो देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो आप इस मूवी को बेशक देख सकते हैं ये आपको ज़रूर पसंद आने वाली है गुस्से में लिए गए फ़ैसले हमेशा हमें दुखी देते हैं और इस बात से नकरा बिल्कुल भी नहीं चाहता है कई बार आपके साथ भी हुआ होगा और आपके आसपास के लोगों को साथ भी ऐसा हुआ होगा और आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं शायद आपको मूवी में कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों आज हम गुटरुकार मूवी के बारे में बात करेंगे और आप ही अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर से देख पाएंगे इन सब के बारे में बात करेंगे चलिए पहले एक नज़र इसकी कहानी की तरफ़ डाल लेते हैं कि मूवी की कहानी क्या है दरअसल यहाँ पर कुछ लीड है जैसे कि महेश बाबू है श्री लीला रम्या क्रिश्तन जगपति बाबू ब्रह्मानंदम ऐसे यहाँ पर कुछ लीड है तो कहानी काफ़ी सिमलर रहती है कि जो महेश बाबू है इनके जो पिता है वो जेल में जा चुके हैं क्योंकि काफ़ी समय पहले घटना घटी थी और उस घटना के चलते उनके पिता जेल में है दूसरी यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि जो उनकी माताश्री है वो भी उनके साथ नहीं रहती है वो भी अपने मायके चली गई है मतलब कि अपने घर वापस लौट चुकी है और वहाँ पर वो रह रही है अब जो मतलब जो महेश बाबू जो है इसके जो दादाजी होते हैं बनते हैं मतलब जो दादाजी हैं वो ये चाहते हैं कि वो जो है पॉलिटिक्स में जाए और वहाँ पर कुछ बने तो यहाँ पर जो महेश बाबू यानी कि जो वेंकट रमना है इनके जो माताश्री है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते वहाँ पर मंत्री बन जाती है फिर मूवी में आगे घटना घटती है और उस घटना के चलते ज़रूरत पड़ती है उन्हें वैनकाटा रमन की यानी कि महेश बाबू की, की। जहाँ पर उन्हें एक हस्ताक्षर करना है अगर वो करते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ा जो मतलब फायदा हो सकता है अब क्या वैनकटा रमन वो हस्ताक्षर करेंगे या नहीं क्या वो अपने कमेल को वापस मिलवाए या नहीं यही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है और पूरी मूवी की स्टोरी यही है बस आपको इसे कि इर्द गिर्द पूरी मूवी घूमते नजर आएंगी हालांकि इसकी जो स्टोरी लाइन है वो इतनी दमदार है नहीं आप इसे एक बार देख सकते हैं मूवी के रिव्यू मिक्स आए थे क्योंकि दोस्तों वजह यही है कि इस मूवी की वीक स्टोरी और शायद इसके चलते ये मूवी दोस्तों इतना कुछ खास कमाल नहीं कर पाई कहा जा रहा है इस मूवी का जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन हो चुका था और बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी एक एवरेज रही थी जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग छः की रेटिंग मिली हुई है और जो टाइम्स ता, ऑफ इंडिया है वहाँ पर भी इस मूवी को दो लगभग दो की रेटिंग मिली हुई है आगे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप दोस्तों अब इस मूवी को हिंदी भाषा में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हो चुकी है पर अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि इस मूवी के डबिंग को आखिरकार किसने करवाया है क्योंकि जो महेश बाबू है उनका वॉइस ओवर सचिन गोले ने दिया है जिन्होंने के जी या रॉकी को दिया था क्योंकि जो सचिन गोले है वो काफ़ी काफ़ी टाइम से गोल्ड मैन में काम नहीं करते हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने नहीं की है लगभग दो तीन साल में तो ये मूवी अचानक से आई तो हो सकता है कि अभी ये डबिंग जो है वो गोलमैंड को छोड़ कर कोई और करवाया हो खैर तो आपको कुछ दिन मालूम पड़ ही जाएगा या फिर कुछ घंटों में मैं यहाँ पर अपना जो कम्यूनिटी वहाँ पर पोस्ट जरूर कर दूँगा अगर हम इसकी कुछ रेटिंग के बारे में बात करें तो रेटिंग काफ़ी एवरेज है जो रॉट टोमेटो वहाँ पर भी फोर्टी लोगों ने लाइक दिया था और मूवी का जो डायरेक्शन था वो त्रिविक्रम श्रीनिवास का है अगर उनके बारे में बात करें तो धोत्र विक्रम श्रीनिवास है इन्होंने बहुत सारी शानदार फिल्में अपने जीवन काल में बनाई हैं जैसे कि अल्लाह बैलकुरमुल अरविंदा समेत समितवीरा राघवा अथोड़ू ऐसे बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं तो वो एक बेहतरीन डायरेक्टर है इसमें कोई शक नहीं है आप कह सकते हैं इन्होंने काफ़ी सारी कमाल की फ़िल्में बनाई है और काफ़ी सारी फिल्में इन्होंने लिखी भी है तो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है जिस नगर बिल्कुल भी नहीं जा सकता है और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड मिल चुके हैं जैसे कि नंदी अवार्ड है फिल्म फेयर अवार्ड और साउथ ऐसे बहुत सारे अवार्ड इन्हें मिले हुए हैं तो मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखी जा सके तो आप इस मूवी को बेशक सक, देख सकते हैं तो अभी जाइए नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं आने वाले समय में इस मूवी का अगर यूट्यूब पर हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा पर मेरे हिसाब से इसके चांस अभी के लिए तो बहुत ही कम है ये मूवी आपको आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगी दोस्तों यहाँ पर जो महेश बाबू है उनका स्लो मो काफ़ी बढ़िया है वो काफ़ी अच्छी स्टाइल में एंट्री मारते हैं काफ़ी तगड़ा एक्शन करते हैं और यहाँ पर हिंदी डबिंग बहुत ही बेहतरीन है मुझे दोस्तों यहाँ पर जो वॉइस ओवर था महेश बब्बू का वो काफ़ी सही लग रहा है और कहीं हद तक मैच भी हो रहा है कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की फिल्म का यहाँ पर जो है वो निर्माण किया गया है तो आपको अगर टाइम मिले तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए अगर इस मूवी की जो डबिंग है उसको गोल्ड मैन द्वारा करवाया गया होगा तो मूवी आपको कुछ हफ्तों बाद ही जो गोल्ड मैन का टी चैनल है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को बाद में टी वी देख पाएंगे बाकी यहाँ पर मूवी की जो कहानी है वो उस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं ये मूवी दोस्तों काफ़ी जगह पर अब आ चुकी है जहाँ से आप चाहें तो देख सकते हैं हो सकता है कि आप लोग इसके बारे में जानते ही है ये भी हो सकता है कि आप ऐसे बहुत लोग इस मूवी को देख के आ रहे हैं यहाँ तक तो आप मुझे बता सकते हैं ये मूवी आपको कैसे लगी थी अच्छी लगी थी या फिर नहीं आप हमें ज़रूर बताइएगा अगर हम मूवी के बारे में थोड़ी तो आगे बात कर ले तो ये मूवी दोस्तों जो है वैसे फॉर के में भी उपलब्ध हो चुकी है जहाँ से आप जो नेटफ्लिक्स वहाँ पर अवेलेबल है आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं और ये मूवी दोस्तों जो एक बहुत ही बेहतरीन मूवी आपके लिए साबित हो सकती है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फैमिली टाइप मूवीज़ देखते हैं या फिर कोई मूवी जो देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो आप इस मूवी को बेशक देख सकते हैं ये आपको ज़रूर पसंद आने वाली है गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा हमें दुखी देते हैं और इस बात से नकरा बिल्कुल भी नहीं चाहता है कई बार आपके साथ भी हुआ होगा और आपके आसपास के लोगों को साथ भी ऐसा हुआ होगा और आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं शायद आपको मूवी में कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों आज हम आजम गुटरुकार मूवी के बारे में बात करेंगे और आप ही अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर से देख पाएंगे इन सब के बारे में बात करेंगे चलिए पहले एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डाल लेते हैं कि मूवी की कहानी क्या है दरअसल यहाँ पर कुछ लीड काफ्टे जैसे कि महेश बाबू है श्री लीला रम्या क्रिश्तन जगपति बाबू ब्रह्मानंदम ऐसे यहाँ पर कुछ लीड काफ्ट तो कहानी काफ़ी सिम्बलर रहती है कि जो महेश बाबू है इनके जो पिता है वो जेल में जा चुके हैं क्योंकि काफ़ी समय पहले घटना घटी थी और उस घटना के चलते उनके पिता जेल में है दूसरी यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि जो उनकी माता श्री है वो भी उनके साथ नहीं रहती है वो भी अपने मायके चली गई है मतलब कि अपने घर वापस लौट चुकी है और वहाँ पर वो रह रही है अब जो मतलब जो महेश बाबू जो है इसके जो दादाजी होते हैं बनते हैं मतलब जो दादाजी हैं वही चाहते हैं कि वो जो है पॉलिटिक्स में जाए और वहाँ पर कुछ बने तो यहाँ पर जो महेश बाबू यानी कि जो वेंकट रमना है इनके जो माताश्री है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते है, वहाँ पर मंत्री बन जाती है फिर मूवी में आगे घटना घटती है और उस घटना के चलते ज़रूरत पड़ती है उन्हें वेंकटा रमन की यानी कि महेश बाबू की जहाँ पर उन्हें एक हस्ताक्षर करना है अगर वो करते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ा जो मतलब फ़ायदा हो सकता है अब क्या वेंकटा रमना वो हस्तखस्त करेंगे या नहीं क्या वो अपने एम को आपस मिलवाएँ या नहीं यही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है और पूरी मूवी की स्टोरी यही है बस आपको इसे के कि इर्द गिर्द पूरी मूवी घूमते नजर आएंगी हालांकि इसकी जो स्टोरी लाइन है वो इतनी दमदार है नहीं आप इसे एक बार देख सकते हैं मूवी के रिव्यू मिक्स आए थे क्योंकि दोस्तों वजह यही है कि इस मूवी की वीक स्टोरी और शायद इसके चलते ये मूवी दोस्तों इतना कुछ ख़ास कमाल नहीं कर पाई कहा जा रहा है इस मूवी का जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन हो चुका था और बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी एक एवरेज रही थी जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग छः की रेटिंग मिली हुई है और जो टाइम्स ता, ऑफ इंडिया है वहाँ पर भी इस मूवी को दो लगभग दो की रेटिंग मिली हुई है आगे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप दोस्तों अब इस मूवी को हिंदी भाषा में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हो चुकी है पर अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि इस मूवी की डबिंग को आखिरकार किसने करवाया है क्योंकि जो महेश बाबू है उनका वॉइस ओवर सचिन गोले ने दिया है जिन्होंने के जी में रॉकी को दिया था क्योंकि जो सचिन गोले है वो काफ़ी काफ़ी टाइम से गोल्ड मैन में काम नहीं करते हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने नहीं की है लगभग दो तीन साल में तो ये मूवी अचानक से आई तो हो सकता है कि अभी ये डबिंग जो है वो गोल्ड मैन को छोड़कर कोई और करवाया हो खैर तो आपको कुछ दिन मालूम पड़ ही जाएगा या फिर कुछ घंटों में मैं यहाँ पर अपना जो कम्यूनिटी वहाँ पर पोस्ट जरूर कर दूँगा अगर हम इसकी कुछ रेटिंग के बारे में बात करें तो रेटिंग काफ़ी एवरेज है जो रॉट टोमेटो वहाँ पर भी फोर्टी एट परसेंट लोगों ने लाइक दिया था और मूवी का जो डायरेक्शन था वो त्रिविक्रम श्रीनिवास का है अगर उनके बारे में बात करें तो जो त्रिविक्रम श्रीनिवास है इन्होंने बहुत सारी शानदार फिल्में अपने जीवन काल में बनाई हैं जैसे कि अल्लाह मुलो अरविंदा समेत समितवीरा राघवा अथोडू आ, 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 ऐसे बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं तो वो एक बेहतरीन डायरेक्टर है इसमें कोई शक नहीं है आप कह सकते हैं इन्होंने काफ़ी सारी कमाल की फिल्में बनाई है और काफ़ी सारी फिल्में इन्होंने लिखी भी है तो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है इसे नकारा बिल्कुल भी नहीं जा सकता है और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड मिल चुके हैं जैसे कि नंदी अवार्ड है फिल्म फेयर अवार्ड और साउथ ऐसे बहुत सारे अवार्ड इन्हें मिले हुए हैं तो मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखी जा सके तो आप इस मूवी को बेशक देख सकते हैं तो अभी जाइए नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं आने वाले समय में इस मूवी का अगर यूट्यूब प्रीमियर हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा पर मेरे हिसाब से इसके चांस अभी के लिए तो बहुत ही कम है ये मूवी आपको आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगी दोस्तों यहाँ पर जो महेश बाबू है उनका स्लोमो काफ़ी बढ़िया है वो काफ़ी अच्छी स्टाइल में एंट्री मारते हैं काफ़ी तगड़ा एक्शन करते हैं और यहाँ पर हिंदी डबिंग बहुत ही बेहतरीन है मुझे दोस्तों यहाँ पर जो वॉइस ओवर था महेश बब्बो का वो काफ़ी सही लग रहा है और कहीं हद तक मैच भी हो रहा है कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की फिल्म का यहाँ पर जो है वो निर्माण किया गया है तो आपको अगर टाइम मिले तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए अगर इस मूवी की जो डबिंग है उसको गोल्ड मैन द्वारा करवाया गया होगा तो मूवी आपको कुछ हफ्तों बाद ही जो गोल्ड माइन का टी चैनल है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को बाद में टी वी देख पाएंगे बाकी यहाँ पर मूवी की जो कहानी है वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं ये मूवी दोस्तों काफ़ी जगह पर अब आ चुकी है जहाँ से आप चाहे तो देख सकते हैं हो सकता है कि आप लोग इसके बारे में जानते ही है ये भी हो सकता है कि आप ऐसे बहुत लोग इस मूवी को देख के आ रहे हैं यहाँ तक तो आप मुझे बता सकते हैं ये मूवी आपको कैसे लगी थी अच्छी लगी थी या फिर नहीं आप हमें ज़रूर बताइएगा अगर हम मूवी के बारे में थोड़ी तो आगे बात कर ले तो ये मूवी दोस्तों जो है वैसे फॉर के में भी उपलब्ध हो चुकी है जहाँ से आप जो नेटफ्लिक्स वहाँ पर अवेलेबल है आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं और ये मूवी दोस्तों जो एक बहुत ही बेहतरीन मूवी आपके लिए साबित हो सकती है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फैमिली टाइप मूवीज़ देखते हैं या फिर कोई मूवीज़ जो देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो आप इस मूवी को बेशक देख सकते हैं ये आपको ज़रूर पसंद आने वाली है गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा हमें दुखी देते हैं और इस बात से नकरा बिल्कुल भी नहीं चाहता है कई बार आपके साथ भी हुआ होगा और आपके आसपास के लोगों को साथ भी ऐसा हुआ होगा और आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं शायद आपको मूवी में कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों आज हम गुटरूकार मूवी के बारे में बात करेंगे और आप ही अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर से देख पाएंगे इन सब के बारे में बात करेंगे चलिए पहले एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डाल लेते हैं कि मूवी की कहानी क्या है दरअसल यहाँ पर कुछ लीड काफ्टे जैसे कि महेश बाबू है श्री लीला रम्या क्रिस्तन जगपति बाबू ब्रह्मानंदम ऐसे यहाँ पर कुछ लीड काफ्टे तो कहानी काफ़ी सिमलर रहती है कि जो महेश बाबू है इनके जो पिता है वो जेल में जा चुके हैं क्योंकि काफ़ी समय पहले घटना घटी थी और उस घटना के चलते उनके पिता जेल में है दूसरी यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि जो उनकी माताश्री है वो भी उनके साथ नहीं रहती है वो भी अपने मायका चली गई है मतलब कि अपने घर वापस लौट चुकी है और वहाँ पर वो रह रही है अब जो मतलब जो महेश बाबू जो है इसके जो दादाजी होते हैं बनते है, मतलब जो दादाजी हैं वे चाहते हैं कि वो जो है पॉलिटिक्स में जाए और वहाँ पर कुछ बने तो यहाँ पर जो महेश बाबू यानी कि जो वैकट रमना है इनके जो माताश्री है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते वहाँ पर मंत्री बन जाती है फिर मूवी में आगे घटना घटती है और उस घटना के चलते ज़रूरत पड़ती है उन्हें वैनकाटा रमन की यानी कि महेश बाबू की, की। जहाँ पर उन्हें एक हस्ताक्षर करना है अगर वो करते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ा जो मतलब फायदा हो सकता है अब क्या वैनकटा रमन वो हस्ताक्षर करेंगे या नहीं क्या वो अपने कम को आपस मिलवाए या नहीं यही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है और पूरी मूवी की स्टोरी यही है बस आपको इसे के इर्द गिर्द पूरी मूवी घूमते नजर आएंगी हालांकि इसकी जो स्टोरी लाइन है वो दमदार है नहीं आप इसे एक बार देख सकते हैं मूवी के रिव्यू मिक्स आए थे क्योंकि दोस्तों वजह यही है कि इस मूवी की वीक स्टोरी और शायद इसके चलते ये, ये मूवी दोस्तों इतना कुछ खास कमाल नहीं कर पाई कहा जा रहा है इस मूवी का जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन हो चुका था और बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी एक एवरेज रही थी जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग छः की रेटिंग मिली हुई है और जो टाइम्स ता, ऑफ इंडिया है वहाँ पर भी इस मूवी को दोस्तों लगभग दो की रेटिंग मिली हुई है आगे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप दोस्तों अब इस मूवी को हिंदी भाषा में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हो चुकी है पर अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि इस मूवी की डबिंग को आखिरकार किसने करवाया है क्योंकि जो महेश बाबू है उनका वॉइस ओवर सचिन गोले ने दिया है जिन्होंने के जी में रॉकी को दिया था क्योंकि जो सचिन गोले हैं वो काफ़ी काफ़ी टाइम से गोल्ड मैंड में काम नहीं करते हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने नहीं की है लगभग दो तीन साल में तो ये मूवी अचानक से आई तो हो सकता है कि अभी ये डबिंग जो है वो गोल्ड मैंड को छोड़कर कोई और करवाया हो खैर तो आपको कुछ दिन मालूम पड़ ही जाएगा या फिर कुछ घंटों में मैं यहाँ पर अपना जो कम्यूनिटी वहाँ पर पोस्ट जरूर कर दूँगा अगर हम इसकी कुछ रेटिंग के बारे में बात करें तो रेटिंग काफ़ी एवरेज है जो रॉट एन टोमेटो वहाँ पर भी फोर्टी एट परसेंट लोगों ने लाइक दिया था और मूवी का जो डायरेक्शन था वो त्रिविक्रम श्रीनिवास का है अगर उनके बारे में बात करें तो जो त्रिविक्रम श्रीनिवास है इन्होंने बहुत सारी शानदार फिल्में अपने जीवन काल में बनाई हैं जैसे कि अल्लाह बैल्गपुरमुलो अरविंदा समेत समितवीरा राघवा अथोडू ऐसे बहुत सारी मूवीज दे चुके हैं तो वो एक बेहतरीन डायरेक्टर है इसमें कोई शक नहीं है आप कह सकते हैं इन्होंने काफ़ी सारी कमाल की फिल्में बनाई है और काफ़ी सारी फिल्में इन्होंने लिखी भी है तो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है इसे नकारा बिल्कुल भी नहीं जा सकता है और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड मिल चुके हैं जैसे कि नंदी अवार्ड है फिल्म फेयर अवार्ड और साउथ ऐसे बहुत सारे अवार्ड इन्हें मिले हुए हैं तो मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऐसे मूवी देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखी जा सके तो आप इस मूवी को बेशक देख सकते हैं तो अभी जाइए नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं आने वाले समय में इस मूवी का अगर यूट्यूब पर हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा पर मेरे हिसाब से इसके चांस अभी के लिए तो बहुत ही कम है ये मूवी आपको आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगी दोस्तों यहाँ पर जो महेश बाबू है उनका स्लोमो काफ़ी बढ़िया है वो काफ़ी अच्छी स्टाइल में एंट्री मारते हैं काफ़ी तगड़ा एक्शन करते हैं और यहाँ पर हिंदी डबिंग बहुत ही बेहतरीन है मुझे दोस्तों यहाँ पर जो वॉइस ओवर था महेश बब्बू का वो काफ़ी सही लग रहा है और कहीं हद तक मैच भी हो रहा है कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की फिल्म का यहाँ पर जो है वो निर्माण किया गया है तो आपको अगर टाइम मिले तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए अगर इस मूवी की जो डबिंग है उसको गोल्ड मैन द्वारा करवाया गया होगा तो मूवी आपको कुछ हफ्तों बाद ही जो गोल्ड मैन का टीवी चैनल है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को बाद में टीवी पे देख पाएंगे बाकी यहाँ पर मूवी की जो कहानी है वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं ये मूवी दोस्तों काफ़ी जगह पर अब आ चुकी है जहाँ से आप चाहें तो देख सकते हैं हो सकता है कि आप लोग इसके बारे में जानते ही है ये भी हो सकता है कि आप ऐसे बहुत लोग इस मूवी को देख के आ रहे हैं यहाँ तक तो आप मुझे बता सकते हैं ये मूवी आपको कैसे लगी थी अच्छी लगी थी या फिर नहीं आप हमें ज़रूर बताइएगा अगर हम मूवी के बारे में थोड़ी आगे बात कर ले तो ये मूवी दोस्तों जो है वैसे फॉर के में भी उपलब्ध हो चुकी है जहाँ से आप जो नेटफ्लिक्स वहाँ पर अवेलेबल है आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं और ये मूवी दोस्तों जो एक बहुत ही बेहतरीन मूवी आपके लिए साबित हो सकती है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फैमिली टाइप मूवीज़ देखते हैं या फिर कोई मूवी जो देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो आप इस मूवी को बेशक देख सकते हैं ये आपको ज़रूर पसंद आने वाली है गुस्से में लिए गए फ़ैसले हमेशा हमें दुखी देते हैं और इस बात से नकर बिल्कुल भी नहीं चाहता है कई बार आपके साथ भी हुआ होगा और आपके आसपास के लोगों को साथ भी ऐसा हुआ होगा और आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं शायद आपको मूवी में कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों आज हम आज़म गुटरूकार मूवी के बारे में बात करेंगे और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर से देख पाएंगे इन सब के बारे में बात करेंगे चलिए पहले एक नज़र इसकी कहानी की तरफ़ डाल लेते हैं कि मूवी की कहानी क्या है दरअसल यहाँ पर कुछ लीड है जैसे कि महेश बाबू है श्री लीला रम्या क्रिस्तन जगपति बाबू ब्रह्मानंदम ऐसे यहाँ पर कुछ लीड काफ्ट है. तो कहानी काफ़ी सिम्लर रहती है कि जो महेश बाबू है इनके जो पिता है वो जेल में जा चुके हैं क्योंकि काफ़ी समय पहले घटना घटी थी और उस घटना के चलते उनके पिता जेल में है दूसरी यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि जो उनकी माताश्री है वो भी उनके साथ नहीं रहती है वो भी अपने मायके चली गई है मतलब कि अपने घर वापस लौट चुकी है और वहाँ पर वो रह रही है अब जो मतलब जो महेश बाबू जो है इसके जो दादाजी होते हैं बनते है, मतलब जो दादाजी हैं वो ये चाहते हैं कि वो जो है पॉलिटिक्स में जाए और वहाँ पर कुछ बने तो यहाँ पर जो महेश बाबू यानी कि जो वेंकट रमना है इनके जो माता है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते वहाँ पर मंत्री बन जाती है फिर मूवी में आगे घटना घटती है और उस घटना के चलते ज़रूरत पड़ती है उन्हें वैनकाटा रमन की यानी कि महेश बाबू की, की। जहाँ पर उन्हें एक हस्ताक्षर करना है अगर वो करते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ा जो मतलब फायदा हो सकता है अब क्या वैनकाटा रमन वो हस्ताक्षर करेंगे या नहीं क्या वो अपने कैमेल को वापस मिलवाए या नहीं यही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है और पूरी मूवी की स्टोरी यही है बस आपको इसे कि इर्द गिर्द पूरी मूवी घूमते नजर आएंगी हालांकि इसकी जो स्टोरी लाइन है वो वही दमदार है नहीं आप इसे एक बार देख सकते हैं मूवी के रिव्यू मिक्स आए थे क्योंकि दोस्तों वजह यही है कि इस मूवी की वीक स्टोरी और शायद इसके चलते ये मूवी दोस्तों इतना कुछ खास कमाल नहीं कर पाई कहा जा रहा है इस मूवी का जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन हो चुका था और बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी एक एवरेज रही थी जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग छः की रेटिंग मिली हुई है और जो टाइम्स ता, ऑफ इंडिया है वहाँ पर भी इस मूवी को दो लगभग दो की रेटिंग मिली हुई है आगे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप दोस्तों अब इस मूवी को हिंदी भाषा में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हो चुकी है पर अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि इस मूवी की डबिंग को आखिरकार किसने करवाया है क्योंकि जो महेश बाबू है उनका वॉइस ओवर सचिन गोले ने दिया है जिन्होंने के जी आफ में रॉकी को दिया था क्योंकि जो सचिन गोले है वो काफ़ी काफ़ी टाइम से गोल्ड मैन में काम नहीं करते हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने नहीं की है लगभग दो तीन साल में तो ये मूवी अचानक से आई तो हो सकता है कि अब ये डबिंग जो है वो गोलमैन को छोड़ कर कोई और करवाया हो खैर तो आपको कुछ दिन मालूम पड़ ही जाएगा या फिर कुछ घंटों में मैं यहाँ पर अपना जो कम्यूनिटी वहाँ पर पोस्ट जरूर कर दूँगा अगर हम इसकी कुछ रेटिंग के बारे में बात बार करें तो रेटिंग काफ़ी एवरेज है जो रॉट एंड टोमेटो वहाँ पर भी फोर्टी एट परसेंट लोगों ने लाइक दिया था और मूवी का जो डायरेक्शन था वो त्रिविक्रम श्रीनिवास का है अगर उनके बारे में बात करें तो धोत्री विक्रम श्रीनिवास है इन्होंने बहुत सारी शानदार फिल्में अपने जीवन काल में बनाई हैं जैसे कि अल्लाह बैन परमुलो अरविंदा समेत हवीरा राघवा अथोडू आ, 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 ऐसे बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं तो वो एक बेहतरीन डायरेक्टर है इसमें कोई शक नहीं है आप कह सकते हैं इन्होंने काफ़ी सारी कमाल की फिल्में बनाई है और काफ़ी सारी फिल्में इन्होंने लिखी भी है तो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है इसे नकारा बिल्कुल भी नहीं जा सकता है और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड मिल चुके हैं जैसे कि डंडी अवार्ड है फिल्म फेयर अवार्ड और साउथ ऐसे बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं तो मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखी जा सके तो आप इस मूवी को बेशक सक, देख सकते हैं तो अभी जो नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं आने वाले समय में इस मूवी का अगर यूट्यूब प्रीमियर हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा पर मेरे हिसाब से इसके चांस अभी के लिए तो बहुत ही कम है ये मूवी आपको आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगी दोस्तों यहाँ पर जो महेश बाबू है उनका स्लो मो काफ़ी बढ़िया है वो काफ़ी अच्छी स्टाइल में एंट्री मारते हैं काफ़ी तगड़ा एक्शन करते हैं और यहाँ पर हिंदी डबिंग बहुत ही बेहतरीन है मुझे दोस्तों यहाँ पर जो वॉइस ओवर था महेश बब्बू का वो काफ़ी सही लग रहा है और कहीं हद तक मैच भी हो रहा है कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की फिल्म का यहाँ पर जो है वो निर्माण किया गया है तो आपको अगर टाइम मिले तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए अगर इस मूवी की जो डबिंग है उसको गोल्ड मैन द्वारा करवाया गया होगा तो मूवी आपको कुछ हफ्तों बाद ही जो गोल्ड मैन का टीवी चैनल है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को बाद में टी वी देख पाएंगे बाकी यहाँ पर मूवी की जो कहानी है वो उस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं ये मूवी दोस्तों काफ़ी जगह पर अब आ चुकी है जहाँ से आप चाहे तो देख सकते हैं हो सकता है कि आप लोग इसके बारे में जानते ही है ये भी हो सकता है कि आप ऐसे बहुत लोग इस मूवी को देख के आ रहे हैं यहाँ तक तो आप मुझे बता सकते हैं ये मूवी आपको कैसे लगी थी अच्छी लगी थी या फिर नहीं आप हमें जरूर बताइएगा अगर हम मूवी के बारे में थोड़ी आगे बात कर ले तो ये मूवी दोस्तों जो है वैसे फॉर के में भी उपलब्ध हो चुकी है जहाँ से आप जो नेटफ्लिक्स वहाँ पर अवेलेबल है आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं और ये मूवी दोस्तों जो एक बहुत ही बेहतरीन मूवी आपके लिए साबित हो सकती है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फैमिली टाइप मूवीज़ देखते हैं या फिर कोई मूवी जो देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो आप इस मूवी को बेशक देख सकते हैं ये आपको ज़रूर पसंद आने वाली है गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा हमें दुखी देते हैं और इस बात से नकर बिल्कुल भी नहीं चाहता है कई बार आपके साथ भी हुआ होगा और आपके आसपास के लोगों को साथ भी ऐसा हुआ होगा और आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं शायद आपको मूवी में कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों आज हम आज़म गुटुरुकार मूवी के बारे में बात करेंगे और आप ही अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर से देख पाएंगे इन सब के बारे में बात करेंगे चलिए पहले एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डाल लेते हैं कि मूवी की कहानी क्या है दरअसल यहाँ पर कुछ लीड है जैसे कि महेश बाबू है श्री लीला रम्या क्रिस्तन जगपति बाबू ब्रह्मानंदम ऐसे यहाँ पर कुछ लीड काफ्ट तो कहानी काफ़ी सिंबल रहती है कि जो महेश बाबू है इनके जो पिता है वो जेल में जा चुके हैं क्योंकि काफ़ी समय पहले घटना घटी थी और उस घटना के चलते उनके पिता जेल में है दूसरी यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि जो उनकी माताश्री है वो भी उनके साथ नहीं रहती है वो भी अपने मायके चली गई है मतलब कि अपने घर वापस लौट चुकी है और वहाँ पर वो रह रही है अब जो मतलब जो महेश बाबू जो है इसके जो दादाजी होते हैं बनते हैं मतलब जो दादाजी हैं वो ये चाहते हैं कि वो जो है पॉलिटिक्स में जाए और वहाँ पर कुछ बने तो यहाँ पर जो महेश बाबू यानी कि जो वेंकट रमना है इनके जो माता श्री है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते है, वहाँ पर मंत्री बन जाती है फिर मूवी में आगे घटना घटती है और उस घटना के चलते ज़रूरत पड़ती है उन्हें वेंकटा रमन की यानी कि महेश बाबू की जहाँ पर उन्हें एक हस्ताक्षर करना है अगर वो करते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ा जो मतलब फायदा हो सकता है अब क्या वेंकटा रमना वस्तगस्त करेंगे या नहीं क्या वो अपने कम को वापस मिलवाए या नहीं यही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है और पूरी मूवी की स्टोरी यही है बस आपको इसे के कि इर्द गिर्द पूरी मूवी घूमते नजर आएंगी हालांकि इसकी जो स्टोरी लाइन है वो उतनी दमदार है नहीं आप इसे एक बार देख सकते हैं मूवी के रिव्यू मिक्स आए थे क्योंकि दोस्तों वजह यही है कि इस मूवी की वीक स्टोरी और शायद इसके जल्द ही मूवी दोस्तों इतना कुछ खास कमाल नहीं कर पाई कहा जा रहा है इस मूवी का जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन हो चुका था और बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी एक एवरेज रही थी जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग छः की रेटिंग मिली हुई है और जो टाइम्स ता, ऑफ इंडिया है वहाँ पर भी इस मूवी को दो सौ लगभग दो की रेटिंग मिली हुई है आगे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप दोस्तों अब इस मूवी को हिंदी भाषा में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी है पर अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि इस मूवी के डबिंग को आखिरकार किसने करवाया है क्योंकि जो महेश बाबू है उनका वॉइस ओवर सचिन गोले ने दिया है जिन्होंने के जी में रॉकी को दिया था क्योंकि जो सचिन गोले है वो काफ़ी काफ़ी टाइम से गोल्ड मैन में काम नहीं करते हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने नहीं की है लगभग दो तीन साल में तो ये मूवी अचानक से आई तो हो सकता है कि अभी ये डबिंग जो है वो गोल्डमैन को छोड़कर कोई और करवाया हो खैर तो आपको कुछ दिन मालूम पड़ ही जाएगा या फिर कुछ घंटों में मैं यहाँ पर अपना जो कम्यूनिटी वहाँ पर पोस्ट जरूर कर दूँगा अगर हम इसकी कुछ रेटिंग के बारे में बात करें तो रेटिंग काफ़ी एवरेज है जो रॉट टोमेटो वहाँ पर भी फोर्टी लोगों ने लाइक दिया था और मूवी का जो डायरेक्शन था वो त्रिविक्रम श्रीनिवास का है अगर उनके बारे में बात करें तो जो त्रिविक्रम श्रीनिवास है इन्होंने बहुत सारी शानदार फिल्में अपने जीवन काल में बनाई हैं जैसे कि अल्लाह मुलो अरविंदा समेत समितवीरा राघवा अथोडू आ, 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 ऐसे बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं तो वो एक बेहतरीन डायरेक्टर है इसमें कोई शक नहीं है आप कह सकते हैं इन्होंने काफ़ी सारी कमाल की फिल्में बनाई है और काफ़ी सारी फिल्में इन्होंने लिखी भी है तो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है इसे नकारा बिल्कुल भी नहीं जा सकता है और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड मिल चुके हैं जैसे कि नंदी अवार्ड है फिल्म फेयर अवार्ड और साउथ ऐसे बहुत सारे अवार्ड इन्हें मिले हुए हैं तो मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखी जा सके तो आप इस मूवी को बेशक देख सकते हैं तो अभी जाइए नेटफ्लिक्स पर वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं आने वाले समय में इस मूवी का अगर YouTube पर भी हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा पर मेरे हिसाब से इसके चांस अभी के लिए तो बहुत ही कम है ये मूवी आपको आसानी से YouTube पर नहीं देखने को मिलेगी दोस्तों यहाँ पर जो महेश बाबू है उनका स्लोमो काफ़ी बढ़िया है वो काफ़ी अच्छी स्टाइल में एंट्री मारते हैं काफ़ी तगड़ा एक्शन करते हैं और यहाँ पर हिंदी डबिंग बहुत ही बेहतरीन है मुझे दोस्तों यहाँ पर जो वॉइस ओवर था महेश बब्बू का वो काफ़ी सही लग रहा है और कहीं हद तक मैच भी हो रहा है कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की फिल्म का यहाँ पर जो है वो निर्माण किया गया है तो आपको अगर टाइम मिले तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए अगर इस मूवी की जो डबिंग है उसको गोल्ड मैन द्वारा करवाया गया होगा तो मूवी आपको कुछ हफ्तों बाद ही जो गोल्ड माइन का टीवी चैनल है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को बाद में टीवी पे देख पाएंगे बाकी यहाँ पर मूवी की जो कहानी है वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं ये मूवी दोस्तों काफ़ी जगह पर अब आ चुकी है जहाँ से आप चाहें तो देख सकते हैं हो सकता है कि आप लोग इसके बारे में जानते ही है ये भी हो सकता है कि आप ऐसे बहुत लोग इस मूवी को देख के आ रहे हैं यहाँ तक तो आप मुझे बता सकते हैं ये मूवी आपको कैसे लगी थी अच्छी लगी थी या फिर नहीं आप हमें ज़रूर बताइएगा अगर हम मूवी के बारे में थोड़ी तो आगे बात कर ले तो ये मूवी दोस्तों जो है वैसे फॉर के में भी उपलब्ध हो चुकी है जहाँ से आप जो नेटफ्लिक्स वहाँ पर अवेलेबल है आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं और ये मूवी दोस्तों जो एक बहुत ही बेहतरीन मूवी आपके लिए साबित हो सकती है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फैमिली टाइप मूवीज़ देखते हैं या फिर कोई मूवी जो देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो आप इस मूवी को बेशक देख सकते हैं ये आपको ज़रूर पसंद आने वाली है ग़ुस्से में लिए गए फैसले हमेशा हमें दुखी देते हैं और इस बात से नकरा बिल्कुल भी नहीं चाहता है कई बार आपके साथ भी हुआ होगा और आपके आसपास के लोगों को साथ भी ऐसा हुआ होगा और आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं शायद आपको मूवी में कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों आज हम गुटरूकार मूवी के बारे में बात करेंगे और आप ही अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर से देख पाएंगे इन सब के बारे में बात करेंगे चलिए पहले एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डाल लेते हैं कि मूवी की कहानी क्या है दरअसल यहाँ पर कुछ लीड काफ्टे जैसे कि महेश बाबू है श्री लीला रम्या कृष्णन जगपति बाबू ब्रह्मानंदम ऐसे यहाँ पर कुछ लीड काफ्ट तो कहानी काफ़ी सिम्बल रहती है कि जो महेश बाबू है इनके जो पिता है वो जेल में जा चुके हैं क्योंकि काफ़ी समय पहले घटना घटी थी और उस घटना के चलते उनके पिता जेल में है दूसरी यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि जो उनकी माता श्री है वो भी उनके साथ नहीं रहती है वो भी अपने मायका चली गई है मतलब कि अपने घर वापस लौट चुकी है और वहाँ पर वो रह रही है अब जो मतलब जो महेश बाबू जो है इसके जो दादाजी होते हैं बनते है, मतलब जो दादाजी हैं वे चाहते हैं कि वो जो है पॉलिटिक्स में जाए और वहाँ पर कुछ बने तो यहाँ पर जो महेश बाबू यानी कि जो वैंकट रमना है इनके जो माताश्री है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते वहाँ पर मंत्री बन जाती है फिर मूवी में आगे घटना घटती है और उस घटना के चलते ज़रूरत पड़ती है उन्हें वैनकाटा रमन की यानी कि महेश बाबू की, की। जहाँ पर उन्हें एक हस्ताक्षर करना है अगर वो करते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ा जो मतलब फायदा हो सकता है अब क्या वैनकाटा रमन हस्ताक्षर करेंगे या नहीं क्या वो अपने एम को आपस मिलवाए या नहीं यही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है और पूरी मूवी की स्टोरी यही है बस आपको इसे के इर्द गिर्द पूरी मूवी घूमते नजर आएंगी हालांकि इसकी जो स्टोरी लाइन है वो दमदार है नहीं आप इसे एक बार देख सकते हैं मूवी के रिव्यू मिक्स आए थे क्योंकि दोस्तों वजह यही है कि इस मूवी की वीक स्टोरी और शायद इसके चलते ये, ये मूवी दोस्तों इतना कुछ खास कमाल नहीं कर पाई कहा जा रहा है इस मूवी का जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन हो चुका था और बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी एक एवरेज रही थी जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग छः की रेटिंग मिली हुई है और जो टाइम्स ता, ऑफ इंडिया है वहाँ पर भी इस मूवी को दोस्तों लगभग दो की रेटिंग मिली हुई है आगे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप दोस्तों अब इस मूवी को हिंदी भाषा में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हो चुकी है पर अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि इस मूवी की डबिंग को आखिरकार किसने करवाया है क्योंकि जो महेश बाबू है उनका वॉइस ओवर सचिन गोले ने दिया है जीरो के जी याक में रॉकी को दिया था क्योंकि जो सचिन गोले है वो काफ़ी काफ़ी टाइम से गोल्डमैन में काम नहीं करते हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने नहीं की है लगभग दो तीन साल में तो ये मूवी अचानक से आई तो हो सकता है कि अब ये डबिंग जो है वो गोल्डमैन को छोड़ कर कोई और करवाया हो खैर तो आपको कुछ दिन मालूम पड़ ही जाएगा या फिर कुछ घंटों में मैं यहाँ पर अपना जो कम्यूनिटी वहाँ पर पोस्ट जरूर कर दूँगा अगर हम इसकी कुछ रेटिंग के बारे में बात करें तो रेटिंग काफ़ी एवरेज है जो रॉट टोमेटो वहाँ पर भी फोर्टी एट परसेंट लोगों ने लाइक दिया था और मूवी का जो डायरेक्शन था वो त्रिविक्रम श्रीनिवास का है अगर उनके बारे में बात करें तो जो त्रिविक्रम श्रीनिवास है इन्होंने बहुत सारी शानदार फिल्में अपने जीवन काल में बनाई हैं जैसे कि अल्लाह मुलो अरविंदा समेत समितवीरा राघवा अथोडू ऐसे बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं तो वो एक बेहतरीन डायरेक्टर है इसमें कोई शक नहीं है आप कह सकते हैं इन्होंने काफ़ी सारी कमाल की फिल्में बनाई है और काफ़ी सारी फिल्में लिखी भी है तो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है जिससे नकारा बिल्कुल भी नहीं जा सकता है और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड मिल चुके हैं जैसे कि नंदी अवार्ड है फिल्म फेयर अवार्ड और साउथ ऐसे बहुत सारे अवार्ड इन्हें मिले हुए हैं तो मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऐसे मूवी देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखी जा सके तो आप इस मूवी को बेशक देख सकते हैं तो अभी जाइए नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं आने वाले समय में इस मूवी का अगर यूट्यूब पर हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा पर मेरे हिसाब से इसके चांस अभी के लिए तो बहुत ही कम है ये मूवी आपको आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगी दोस्तों यहाँ पर जो महेश बाबू है उनका स्लो मो काफ़ी बढ़िया है वो काफ़ी अच्छी स्टाइल में एंट्री मारते हैं काफ़ी तगड़ा एक्शन करते हैं और यहाँ पर हिंदी डबिंग बहुत ही बेहतरीन है मुझे दोस्तों यहाँ पर जो वॉइस ओवर था महेश बब्बू का वो काफ़ी सही लग रहा है और कहीं हद तक मैच भी हो रहा है कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की फिल्म का यहाँ पर जो है वो निर्माण किया गया है तो आपको अगर टाइम मिले तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए अगर इस मूवी की जो डबिंग है उसको गोल्ड मैन द्वारा करवाया गया होगा तो मूवी आपको कुछ हफ्तों बाद ही जो गोल्ड मैन का टीवी चैनल है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को बाद में टीवी पे देख पाएंगे बाकी यहाँ पर मूवी की जो कहानी है वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं ये मूवी दोस्तों काफ़ी जगह पर अब आ चुकी है जहाँ से आप चाहें तो देख सकते हैं हो सकता है कि आप लोग इसके बारे में जानते ही है ये भी हो सकता है कि आप ऐसे बहुत लोग इस मूवी को देख के आ रहे हैं यहाँ तक तो आप मुझे बता सकते हैं ये मूवी आपको कैसे लगी थी अच्छी लगी थी या फिर नहीं आप हमें ज़रूर बताइएगा अगर हम मूवी के बारे में थोड़ी आगे बात कर ले तो ये मूवी दोस्तों जो है वैसे फॉर के में भी उपलब्ध हो चुकी है जहाँ से आप जो नेटफ्लिक्स वहाँ पर अवेलेबल है आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं और ये मूवी दोस्तों जो एक बहुत ही बेहतरीन मूवी आपके लिए साबित हो सकती है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फैमिली टाइप मूवीज़ देखते हैं या फिर कोई मूवी जो देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो आप इस मूवी को बेशक देख सकते हैं ये आपको ज़रूर पसंद आने वाली है गुस्से में लिए गए फ़ैसले हमेशा हमें दुखी देते हैं और इस बात से नकरा बिल्कुल भी नहीं चाहता है कई बार आपके साथ भी हुआ होगा और आपके आसपास के लोगों को साथ भी ऐसा हुआ होगा और आज हम यहाँ पर जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं शायद आपको मूवी में कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों आज आज़म गुटरूक आराम मूवी के बारे में बात करेंगे और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर से देख पाएंगे इन सब के बारे में बात करेंगे चलिए पहले एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डाल लेते हैं कि मूवी की कहानी क्या है दरअसल यहाँ पर कुछ लीड काफ्टे जैसे कि महेश बाबू है श्री लीला रम्या क्रिस्तन जगपति बाबू ब्रह्मानंदम ऐसे यहाँ पर कुछ लीड काफ्ट है। तो कहानी काफ़ी सिंबल रहती है कि जो महेश बाबू है इनके जो पिता है वो जेल में जा चुके हैं क्योंकि काफ़ी समय पहले घटना घटी थी और उस घटना के चलते उनके पिता जेल में है दूसरी यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि जो उनकी माताश्री है वो भी उनके साथ नहीं रहती है वो भी अपने मायका चली गई है मतलब कि अपने घर वापस लौट चुकी है और वहाँ पर वो रह रही है अब जो मतलब जो महेश बाबू जो है इसके जो दादाजी होते हैं बनते हैं मतलब जो दादाजी हैं वो ये चाहते हैं कि वो जो है पॉलिटिक्स में जाए और वहाँ पर कुछ बने तो यहाँ पर जो महेश बाबू यानी कि जो वेंकट रमना है इनके जो माता है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते वहाँ पर मंत्री बन जाती है फिर मूवी में आगे घटना घटती है और उस घटना के चलते ज़रूरत पड़ती है उन्हें वैनकटा की यानी कि महेश बाबू की, की। जहाँ पर उन्हें एक हस्ताक्षर करना है अगर वो करते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ा जो मतलब फायदा हो सकता है अब क्या वैनकटा रमन वो हस्ताक्षर करेंगे या नहीं क्या वो अपने कम को वापस मिलवाए या नहीं यही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाता है और पूरी मूवी की स्टोरी यही है बस आपको इसे इर्द कि इर्द गिर्द पूरी मूवी घूमते नजर आएंगी हालांकि इसकी जो स्टोरी लाइन है वो इतनी दमदार है नहीं आप इसे एक बार देख सकते हैं मूवी के रिव्यू मिक्स आए थे क्योंकि दोस्तों वजह यही है कि इस मूवी की वीक स्टोरी और शायद इसके चलते ये मूवी दोस्तों इतना कुछ खास कमाल नहीं कर पाई कहा जा रहा है इस मूवी का जितना बजट था उतना इस मूवी का कलेक्शन हो चुका था और बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी एक एवरेज रही थी जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग छः की रेटिंग मिली हुई है और जो टाइम्स ता, ऑफ इंडिया है वहाँ पर भी इस मूवी को दो लगभग दो की रेटिंग मिली हुई है आगे अगर मूवी के बारे में बात करें तो आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप दोस्तों अब इस मूवी को हिंदी भाषा में देख सकते हैं ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हो चुकी है पर अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि इस मूवी की डबिंग को आखिरकार किसने करवाया है क्योंकि जो महेश बाबू है उनका वॉइस ओवर सचिन गोले ने दिया है जिन्होंने के जी आफ में रॉकी को दिया था क्योंकि जो सचिन गोले है वो काफ़ी काफ़ी टाइम से गोल्ड मैन में काम नहीं करते हैं और बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने नहीं की है लगभग दो तीन साल में तो ये मूवी अचानक से आई तो हो सकता है कि अब ये डबिंग जो है वो गोलमैंड को छोड़ कर कोई और करवाया हो खैर तो आपको कुछ दिन मालूम पड़ ही जाएगा या फिर कुछ घंटों में मैं यहाँ पर अपना जो कम्यूनिटी वहाँ पर पोस्ट ज़रूर कर दूँगा अगर हम इसकी कुछ रेटिंग के बारे में बात करें तो रेटिंग काफ़ी एवरेज है जो रॉट एंड टोमेटो वहाँ पर भी फोर्टी एट परसेंट लोगों ने लाइक दिया था और मूवी का जो डायरेक्शन था वो त्रिविक्रम श्रीनिवास का है अगर उनके बारे में बात करें तो धोत्रि विक्रम श्रीनिवास है इन्होंने बहुत सारी शानदार फिल्में अपने जीवन काल में बनाई हैं जैसे कि अल्लाह बेल्डपुरमुलो अरविंदा समेत समितवीरा राघवा अथोडू आ, 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 ऐसे बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं तो वो एक बेहतरीन डायरेक्टर है इसमें कोई शक नहीं है आप कह सकते हैं इन्होंने काफ़ी सारी कमाल की फिल्में बनाई है और काफ़ी सारी फिल्में इन्होंने लिखी भी है तो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है इससे नकार बिल्कुल भी नहीं जा सकता है और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड मिल चुके हैं जैसे कि डांी अवार्ड है फिल्म फेयर अवार्ड और साउथ ऐसे बहुत सारे अवार्ड इन्हें मिले हुए हैं तो मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऐसे मूवी देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखी जा सके तो आप इस मूवी को बेशक सक, देख सकते हैं तो अभी से नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर आप इस मूवी को देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बता सकते हैं आने वाले समय में इस मूवी का अगर यूट्यूब पर हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा पर मेरे हिसाब से इसके चांस अभी के लिए तो बहुत ही कम है ये मूवी आपको आसानी से यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगी दोस्तों यहाँ पर जो महेश बाबू है उनका स्लो मो काफ़ी बढ़िया है वो काफ़ी अच्छी स्टाइल में एंट्री मारते हैं काफ़ी तगड़ा एक्शन करते हैं और यहाँ पर हिंदी डबिंग बहुत ही बेहतरीन है मुझे दोस्तों यहाँ पर जो वॉइस ओवर था महेश बब्बू का वो काफ़ी सही लग रहा है और कहीं हद तक मैच भी हो रहा है कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की फिल्म का यहाँ पर जो है वो निर्माण किया गया है तो आपको अगर टाइम मिले तो इस मूवी को आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिए अगर इस मूवी की जो डबिंग है उसको गोल्ड मैन द्वारा करवाया गया होगा तो मूवी आपको कुछ हफ्तों बाद ही जो गोल्ड मैन का टीवी चैनल है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को बाद में टी वी देख पाएंगे बाकी यहाँ पर मूवी की जो कहानी है वो उस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं ये मूवी दोस्तों काफ़ी जगह पर अब आ चुकी है जहाँ से आप चाहें तो देख सकते हैं हो सकता है कि आप लोग इसके बारे में जानते ही है ये भी हो सकता है कि आप ऐसे बहुत लोग इस मूवी को देख के आ रहे हैं यहाँ तक तो आप मुझे बता सकते हैं ये मूवी आपको कैसे लगी थी अच्छी लगी थी या फिर नहीं आप हमें ज़रूर बताइएगा अगर हम मूवी के बारे में थोड़ी तो आगे बात कर ले तो ये मूवी दोस्तों जो है वैसे फॉर के में भी उपलब्ध हो चुकी है जहाँ से आप जो नेटफ्लिक्स वहाँ पर अवेलेबल है आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं और ये मूवी दोस्तों जो एक बहुत ही बेहतरीन मूवी आपके लिए साबित हो सकती है तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फैमिली टाइप मूवीज़ देखते हैं या फिर कोई मूवी जो देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो आप इस मूवी को बेशक देख सकते हैं ये आपको ज़रूर पसंद आने वाली है